के इलेक्शन में बिजी थे और मुझे आपने आज बुला करके इतने सीनियर लोगों से, इतने इंटेलिजेंट लोगों से, इतने कॉन्शियस लोगों से, नेशनलिस्ट लोगों से मिलने का मौका दिया, अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैं अपनी बात को बहुत स्ट्रक्चर्ड करके नहीं रखना चाहता क्योंकि बहुत कुछ चीजें आप मेरे यूट्यूब वी सपोर्ट पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के माध्यम से देख चुके हैं, लेकिन मैं यहां से बात शुरू करना चाहता हूं कि हम जिस पोजीशन में आज खड़े हैं, भारत खड़ा है, क्या भारत के लोगों को या भारतवंशियों को या भारत से संबंध रखने वाले तमाम लोगों को या भारत राष्ट्र प्रेम करने वाले जागरूक नागरिकों को जो दुनिया के किसी कोने में हैं, जहां भारत के किसी कोने में हैं, क्या सच में हम आज ये पहचान पा रहे हैं कि हमारे सामने चुनौतियां क्या हैं? वो चुनौतियां बाहर से हैं, अंदर से हैं, उन चुनौतियों को हमें कैसे सामना करना है, क्या वाकई में वो चुनौती है या हम उसे चुनौती मानते भी हैं या नहीं मानते, या शायद हम सिर्फ उनको ये मान करके कि ये कोई वक्ती तौर पे कोई टेम्पररी चीज है तो शायद वो अपने आप खत्म हो जाएगी। तो ये तमाम सारे जो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अनआंसर्ड चीजें हैं, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले, क्योंकि हम ये मान के चले कि आज 2020 में 2021 में दुनिया का हर आदमी इंफॉर्मेशन से लैस है, उसके पास इतनी इंफॉर्मेशन है, वेरियस चैनल से है, वेरियस सोर्सेस से है, इतने सारे स्पीकर्स हिंदुस्तान में हैं, देश भर में हैं, तो आज शायद आपको कोई गुमराह नहीं कर सकता कि किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और ये जो संचार क्रांति या कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन हुआ है सोशल मीडिया के माध्यम से, इससे मुझे लगता है कि आपको भी और मुझे भी एक मौका मिला है कि कैसे हम सच बात जो है, जो छुपाई गई, जो डेलिब्रेटली मिटाई गई, जो किताबें बताई नहीं गई, जहां जहां रेफरेंसेस थे उनको गायब कर दिया गया, आज उन सब को अपने सामने ला करके मेरी जो कोशिश है, जो मेरे साथियों की कोशिश है, चाहे वो कर्नल आर एस एन सिंह साहब हो, जी डी बख्शी साहब हो, सुशील पंडित साहब हो, या मैं मानता हूं सुशील पंडित हो, ललित अंबरदार हो, ये तमाम सारे लोग वही काम कर रहे हैं। हम कोई भी नई बात या नए तरीके का कोई नरेटिव नहीं दे रहे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हमारे बीच में पिछले 700-800 सालों से जो झूठे पॉलिटिकली एजेंडे के तहत, एक खास मकसद के तहत जो नारे, जो नैरेटिव क्रिएट किए गए, हमने शायद उन नैरेटिव्स को बिना सोचे समझे, बिना जाने, बिना उनकी उसके पीछे क्या मंशा है, उसके पीछे क्या सोच है, कभी हमने शायद उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और हम सब लोग ज्यादातर खासतौर से जो हिंदू सनातनी है, वो अपनी जिंदगी अच्छी हो, अच्छा मकान हो, अच्छा खाना हो, बच्चे पढ़ जाएं, हमने शायद इन सब चीजों के अलावा दुनिया में कुछ और सोचा ही नहीं। लेकिन हर मुल्क के जीवन में एक काल आता है कि जब आपको एक नेशन की तरह सोचना होता है, लिहाजा मैं वहां से शुरू करना चाहता हूं कि आज भारत की एक बहुत बड़ी आबादी दुनिया का और यूनिवर्स का और इस ब्रह्मांड का, इस कायनात का जब से उत्पत्ति हुई है तब से लेकर के आज तक जो धर्म है, जो ड्यूटी है, वो लोग जिन्होंने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया, यहां से लोग दुनिया के हर कोने में गए, आज वो राष्ट्र, आज वो देश, आज वो संस्कृति, आज वो सरोकार, आज वो आस्थाएं, परंपराएं अपने आप को बचाने के लिए लड़ रही हैं, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही हैं, उसके मानने वाले लोग अपने प्रभुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब मैं इन सब चीजों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि आखिर प्रॉब्लम है कहां? प्रॉब्लम क्या सब कुछ सरकार ने की है या सिस्टम ने की है, या कुछ हमारी भी कोताहियां रही हैं, हमारी भी कमियां रही हैं, हमारी भी गलतियां रही हैं, या हमारे बुजुर्गों ने किसी लालच या किसी डर के चलते शायद हमको सच बात बताने से गुरेज किया, उसको अवॉइड किया, और धीरे 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 वो गलत बातें, वो खराब बातें, वो झूठी बातों का एक इतना बड़ा ढेर लग गया है कि आज हम उसके नीचे दब गए हैं। तो दिस इज द टाइम टू रिमूव the wrong narratives which we are singing from last more than 700-800 years. तो उसमें सबसे बड़ा narrative मैं आपको बताता हूं क्या है। आज भी हिंदू सनातन की जो सबसे बड़ी population वो ये है कि वो ये कहती है सारे धर्म बराबर हैं,
इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और ये तमाम सारे नैरेटिव हिंदुस्तान के सियासी लोगों ने, पॉलिटिकल लीडर ने, जिनको इस देश की सत्ता पे बैठना था, उन्होंने झूठे नारे गड़े और समाज को इस तरीके से बताया कि जैसे जो पॉलिटिकल लीडर है वो एक आखिरी स्पिरिचुअल लीडर की तरह बात करता है और जो उसने कह दिया है वही सच है। तो नारे एक ही कई ऐसे गड़े गए और जो लोग आपकी संस्कृति को चैलेंज कर रहे थे, जो आपको मिटाना चाहते थे, जो आपके वजूद को खत्म करना चाहते थे, हम उनके झूठे नारों में फंसे। और उस नारों में फंसने की वजह से यह हुआ कि देखिए कैसे कैसे नारे आए। सारे धर्म बराबर हैं, इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, इस्लाम ने दुनिया को इलिटरेसी से, गरीबी से बाहर निकाला, कुरान एक आसमानी किताब है, इस्लाम भाईचारा सिखाता है, ये तमाम सारी चीजें जो हैं हमको इस तरीके से बताई गई जैसे हमको लगा कि इस्लाम जो है वो दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन मजहब है और हमें इसमें, इसके अलावा किसी और मजहब में सब में बुराई है लेकिन इसमें नहीं है। तो मैं बात वहां से शुरू करना चाहता हूं कि एक हम लोग अक्सर कहते हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडर भी इस बात को कहने में बड़ा उनको मजा आता है, लेकिन ज्यादातर लोग, मुझे लगता है कि सियासी लोग क्या कहते हैं वो मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, कि उसकी वजह होती है कि पॉलिटिकल लीडर्स के सामने अपना चुनाव होता है, वोट होता है, लेकिन समाज में एक बड़ी पॉपुलेशन होती है जो पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा रूबरू नहीं होती, पॉलिटिक्स में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती। वो टीचर्स हो, वो प्रोफेसर हो, वो इंटेलेक्चुअल्स हो, वो खिलाड़ी हो, वो संगीतकार हो, वो तमाम सारे लोग जो हैं, जब वो लोग चुप्पी साध लेते हैं और वो झूठे नैरेटिव के कुछ नहीं बोलते तो समाज भ्रमित हो जाता है, समाज कंफ्यूज हो जाता है और आने वाली जनरेशन जैसे आज हिंदू सनातन की कंफ्यूज है वैसे ही रहती है। जैसे एक बात अक्सर आपने सुनी होगी, हमारे लीडरान बहुत बोलते हैं और फिर वो समाज उसको प्रैक्टिस करता है, तू इधर उधर की बात न कर, तू इधर उधर की बात न कर, तू ये बता कारवां लुटा कैसे। अब जब हम ये बात करते हैं तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, अपोजिशन के लोग खड़े होकर के सत्ता पक्ष से ही पूछते हैं कि भाई तुम बताओ, तुम इधर उधर की बात ना करो, तुम ये बताओ कि कारवां लुटा कैसे। अब अगर किसी से ये पूछ ले कि ये जो आपने पूछा है इसके पीछे ये पूरा नैरेटिव आया कहां से, कारवां क्या होता है, उसे लूटना क्या कहते हैं, उसका एक साधारण तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दुनिया को नहीं पता कि पहला कारवां जाते कहां थे, कारवा कहते किसे हैं, कारवा का शब्द आया कहां से। ये अरब के अंदर जब बहुत सारे तिजारत करने वाले बिजनेसमैन जब जाते थे उस पे सामान लाद के ले जाते थे खाने का पीने का, उसे कारवा कहते थे, वो ऊंटों पे जाता था, उसको लूटने वाले से पूछा जाता है कि भाई कारवा लूटा कैसे। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि इस सभ्यता में सबसे पहला कारवा मोहम्मद ने लूटा, ही वाज अ लुटेरा, वो मोहम्मद एक जमाने में लुटेरा था और वो कारवा लूटता था और वही लूटने से ये परंपरा आई कि उस कारवे को लूटेंगे और उस कारवे में जितनी औरतें भी होंगी उनको भी लूटा जाएगा, फिर उनका हिस्सा बांट होगा। तो माले गनीमत का शब्द वहां से निकला और उसके बाद में औरतों को भी हिस्सा बांट किया गया। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भाई हम इस बात को क्यों नहीं समझना चाहते कि हमारी पूरी जनरेशन जो आज कंफ्यूज है उसके पीछे वजह यह है कि हमने ये नहीं पूछा कि जो आज अबू बकर जो कह रहा है, आईएसआईएस का हेड जो कह रहा है, आखिर ये क्या कह रहा है, ये कौन लोग हैं, अबू बकर के लोग कौन है, अलकायदा के लोग कौन है, लश्करे तोयबा के लोग जो गर्दन काटने की बात करते हैं। तो मैंने एक नरेटिव क्रिएट किया है कि आज का अबू बकर और मोहम्मद साहब के जमाने का अबू बकर और आज का अल बगदादी दोनों एक ही हैं, एक ही सोच है। अबू बकर कौन है और अल बगदादी कौन है? अबू बकर मोहम्मद का ससुर भी था, अबू बकर की 7 साल की बेटी से मोहम्मद ने शादी की थी और सत्ता हत्याने के लिए उसने हजारों लोगों को मारा था, उसने कत्ल किया था। तो अगर आज के जमाने में हम आईएसआईएस का नाम लेते हैं तो कोई नई बात नहीं है, जो अल बगदादी है वो वही कर रहा है जो कुरान में लिखा है, वो वही कर रहा है जो उनके प्रॉफिट के दामाद ने किया, ससुर ने किया, बेटी ने किया, बीवी ने किया। तो हम इस बात को देखें, आयशा, जब आप आयशा का नाम लेते हैं तो आयशा कौन थी? आयशा तीसरी बीवी थी मोहम्मद साहब की। तो जितनी जंगें उन्होंने लड़ी आयशा ने, तो हम आयशा से चले थे और कश्मीर में हम आसिया अंदराबी तक पहुंच गए। तो आज आसिया अंदराबी जो कश्मीर के अंदर एक
एक एक जिहादी है, महिला है जो पाकिस्तान के एजेंडे पे झंडे चलाती है, वो सोच वहां से चली थी, वो वहां तक चली आई। इसी तरीके से मोहम्मद बिन कासिम कौन था? लुटेरा था, जिसने हिंद सिंध के सबसे बड़े राजा दाहिर को लूटा था। उसको, उसके लूटने वालों को मोहम्मद बिन कासिम ने प्रॉफिट मोहम्मद के खानदान को मारा था। उस लुटेरे को पाकिस्तान में हजरत मोहम्मद बिन कासिम कहा जाता है, उसे हजरत का दर्जा दिया जाता है। तो हमने हजरत मोहम्मद बिन कासिम को नहीं देखा, लेकिन हजरत मोहम्मद बिन कासिम से चल के हम कासिम रिजवी तक आ गए। कासिम रिजवी कौन था? जिसने हैदराबाद में भारतीय सेना से लड़ने के लिए रजाकारों की 1,00,000 की फौज बनाई थी। तो हम जब ये नैरेटिव क्रिएट करते हैं कि ये जो ड्राइव है, ये जो इस्लामिक आतंकवाद है, ये जिहाद है, ये कुरान है, ये हदीस है, ये शरिया है, ये आखिर इसकी आज रिलेवेंस ये है कि वही लोग उसको उसी तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं जो आज से 1400 साल पहले था। तो हम जब इन लोगों के बीच बैठते हैं तो हम क्या कहते हैं? नहीं, हम सब भाई भाई हैं। तो वो भाई भाई नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी कुरान की किताब कहती है सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 123 155 53 56 ये कहती है कि जो भी मुशरिक है, मुशरिक कहते हैं उसको जो मूर्ति पूजा करता है, जो भी मुशरिक है उसका कत्ल जस्टिफाई है, वो उनकी किताब कहती है, और वो उस किताब को डिनाउंस नहीं करते। उनसे आपका भाई भाई का रिश्ता कैसे हो सकता है? आप किस गलतफहमी का शिकार हैं? भारत इस गलतफहमी का शिकार सदियों से रहा है, इसलिए शायद उसके मानने वाले लोग आज उन चीजों का मुकाबला नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि हमारी बीमारी क्या है, हम किन लोगों से सामना कर रहे हैं। क्योंकि आप हजारों साल की आदर्श सभ्यता के नागरिक रहे हैं, लिहाजा आपको लगता है कि सब कुछ जैसे हम अच्छे हैं वैसे ही दूसरे भी होंगे और कुछ खराब होंगे, लेकिन वो कुछ खराब नहीं, वो तो 100% गड़बड़ है। और आप 100% अति मानवतावादी हैं, अति अपने आप को आप आदर्श स्थिति में रखे हैं। तो हजारों साल की आदर्श स्थिति से आज के इस्लामिक आतंकवाद का, जिहाद का सामना नहीं कर सकते आप, जब तक आपकी रणनीति ना बदले। ये वही वाली बात है कि MiG-25 और MiG-21 से आज भारत की एयरफोर्स नहीं लड़ सकती, इसलिए आपको राफेल चाहिए। तो आपको सेना का बॉर्डर पे लड़ने के लिए राफेल चाहिए, लेकिन भारत राष्ट्र के नागरिकों को अपनी रणनीति नहीं बदलनी चाहिए क्या? अपनी सोच नहीं बदलनी चाहिए क्या? क्या हजारों साल पुरानी सोच से आप आज के आतंकवाद को, आज के जिहाद को, आज के आक्रमण को उसको रोक सकते हैं? तो हम एक तरफ तो कुछ सोचते हैं लेकिन अपने निजी जीवन में कुछ और सोचते हैं। तो एक तो हमारा संकट ये है, तो हम ये माने कि पहले हमारी प्रॉब्लम क्या है। दूसरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मैं भारत के अंदर अक्सर बोलता रहता हूं कि हिंदू सनातनी समाज अभी तक इस गलतफहमी का शिकार है, या उसको लगता है कि इस पे बात नहीं करनी। वो ये है कि वो देश, राज और राष्ट्र को एक ही चीज मानता है, जबकि देश अलग चीज है, राष्ट्र अलग चीज है, राज अलग चीज है, तीनों के अलग अलग डिफिनेशन है। जो सबसे बड़ी भूमिका है मेरी और आपकी और त्रिपाठी जी की, ओम प्रकाश जी की, जो रविंद्र जी बैठे हुए हैं, जो मनोहर जी बैठे हुए हैं, आप सबकी भूमिका यह है कि हम सबको राष्ट्र के लिए काम करना है, क्योंकि समाज राष्ट्र बनाता है, देश सरकार चलाती है। सरकार चलाने के लिए एक नियम है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी एक पुलिस है, उसकी एक जुडिशियल सिस्टम है, उसकी एक फौज है, वो संविधान से बनी हुई है। लेकिन राष्ट्र जो है वो आपकी आस्थाओं से, परंपराओं से, सरोकारों से, मूल्यों से चलता है, और वो मूल किसी किताब में नहीं लिखे हुए। ये हमारी हजारों हजारों साल की परंपरा के बाद हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि हमें अपने पिता से कैसे बात करनी है, मां से कैसे बात करनी है, मां से क्या रिश्ता है, बेटी से क्या रिश्ता है, बहन से क्या रिश्ता है, और समाज में क्या आदर्श स्थापित करने हैं। समाज आदर्शों से चलता है, दिन भर कानूनों से नहीं चलता कि ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो होगा, वहां तो हर बात के लिए कानून। लेकिन आपका 90% जीवन तो आपकी आस्थाओं से चलता है, उसमें स्टेट नहीं दखल देती है। लेकिन कमजोर, डरपोक और कायर और लालची समाज जब ज्यादा बढ़ जाता है तो स्टेट अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए आपके सरोकारों में दखल देना शुरू करती है। और एक जागरूक समाज जब होता है वो इतना मजबूत होता है कि सत्ता उससे दूर रहती है, और सत्ता कभी आपकी आस्थाओं में कोई चोट नहीं करती। सत्ता आपको ये नहीं बताएगी कि मंदिर में कब जाना है, किस मंदिर में जाना है, किसमें नहीं जाना है, कितनी बार जाना है, दही हांडी की लंबाई क्या होगी, साबर और शबरीमला में कब जाना है, ये नहीं बता सकती। लेकिन जब समाज कमजोर होने लगता है तो सत्ता उसमें एंटर करती है। इसलिए
भारत के सनातनी हिंदू को, जो सच्चाई थी उसने खुद अपने छोटे से लालच के कारण अपनी ताकत को अपनी कमजोरी बना दिया। जैसे आपने क्या किया, हम अक्सर बात करते हैं तो बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि देखिए भारत में जाति व्यवस्था जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब मुझे लगता है कि हम लोग बहुत हल्के से किसी बात को कहते हैं और इतने गंभीर लोग, इतनी गंभीर हमारे पास, इतनी गंभीर हमारी सोच के लोगों को इतने हल्के सवाल नहीं करना चाहिए। और सवाल करने से पहले दो बार सोचना चाहिए कि हम सवाल क्या करने जा रहे हैं। लोग एकदम हवा में कोई बड़ा सवाल करते हैं, टेलीविजन पे आके कुछ भी बोल देते हैं। अरे भाई, भारत की जाति व्यवस्था काम आधारित थी, कर्म आधारित थी। कर्म से जाति तय होती थी, हमने उसे पेट से जाति को कर दिया कि जो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है वो ब्राह्मण ही होगा। ये किसने कह दिया? ब्राह्मण एक अपने आप में कर्म है, उसको अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना है और समाज को ज्ञान देना है, उसको समाज से बहुत कुछ प्रॉफिट लॉस नहीं करना है। और वो किस तरीके का ज्ञान देगा, कैसा ज्ञान देगा, उसे शास्त्र पढ़ने हैं, क्योंकि वो पढ़ने का काम करेगा, कोई छत्री का काम करेगा, कोई वैश्य का काम करेगा। अगर आज ये हम कहें कि साहब ये जितने भी लोग बिजनेस करते हैं सब बनिए हैं, सब वैश्य हैं, ऐसा नहीं है। आज तो दुनिया का हर आदमी बिजनेस कर रहा है, उसमें उसकी कोई जाति भी नहीं पूछ रहा। आज तो बड़ी बड़ी कंपनियां जूता बना रही है तो हम ये कहेंगे जूता बनाने का काम तो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का, तो ऐसा नहीं था। बड़े बड़े ब्रांड आ रहे हैं, बड़े बड़े करोड़पति हैं, ब्राह्मणों की दुकानें हैं, ठाकुरों की दुकानें हैं, बनियों की दुकानें हैं, और बड़े बड़े पदों के ऊपर भी दलित बैठ रहे हैं। तो ये नहीं हो सकता। इसलिए कर्म प्रधान देश, कर्म प्रधान जाति को हमने छोटे छोटे उसमें बांटा और उसकी वजह से हम हर चीज को बड़ा हल्के में लेते हैं, हर चीज को तोड़ मड़ो के पेश करते हैं। लिहाजा ये समय है कि आज दुनिया की इस संचार क्रांति ने मुझे आपसे करोड़ों मील दूर, हजारों मील दूर आप बैठे हुए हैं, मैं आपका चेहरा भी देख सकता हूं, आपके एक्सप्रेशन भी देख सकता हूं, आपसे सवाल जवाब भी कर सकता हूं। इसका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को उठाना है तो दुनिया में एक ही मात्र कम्युनिटी है जिसका नाम है सनातनी हिंदू। क्योंकि आप दुनिया में सबसे आगे थे, आज सबसे पीछे खड़े हुए हैं, क्योंकि हमने अपने आप अपने अंदर हजारों कमियों को जन्म दे दिया है और उन कमियों को ही हम अपना भाग्य समझते हैं और सारी चीज भाग्य से तय करते हैं, सारी चीज सरकार से तय कराना चाहते हैं। अब ये तो भगवान भरोसे है, भगवान चाहेगा तो ऐसा होगा ना। भगवान ने कभी नहीं कहा कि मैं चाहूंगा, तुम चाहोगे तो भगवान करेगा, तुम ही नहीं चाहोगे तो भगवान किसी की मदद नहीं करने आने वाला। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। आप वो तो बनिए कि ऊपर वाला पूछे कि तुझे क्या चाहिए। क्या नरेंद्र मोदी जब चाय बेचते थे तो क्या उन्होंने सोचा था मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा? लेकिन उनके अंदर एक अगर ख्वाब था तो उस ख्वाब में वो लगे रहे। ये भाग से नहीं सब कुछ हो गया है, भाग बाद में आता है, पहले कर्म चाहिए होता है। बहुत लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन कर्म नहीं थे। कुछ लोगों ने अच्छे खासे प्रधानमंत्री की लाइन में खड़े हुए थे लेकिन जिना की मजर पर जाके फातिया पढ़ा, उनकी जिंदगी का फातिया हो गया। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि आप कर्म नहीं करेंगे और इधर उधर से करके आप बड़ा बनना चाहेंगे तो नहीं बन सकते। इसलिए स्थाई वो है जो आपको कर्म करना है वो करिए। अब कर्म में आपको आज सुबह करें और शाम को फल मिल जाए, ये नहीं होता है। तो भाग के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, भाग आपके पीछे पीछे चले ऐसा अपने आप को बनाना चाहिए। क्योंकि हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारे हजारों साल की परंपराएं हमें यही सिखाती हैं। इसलिए जब एकमात्र ब्राह्मण भगवान परशुराम जी ने क्या कहा, मैं तो परशुराम जी की बात को बार बार रिपीट करता हूं। परशुराम जी ने जो उनका एक सूत्र है, जो उनका एक सिंपल वाक्य है, उसको आज के संदर्भ में जब मैं कहता हूं, उन्होंने कहा जन्म जायते शूद्र, या नहीं मनुष्य जन्म से शूद्र पैदा होता है, अपने कर्म से वो ब्राह्मण बनता है, ठाकुर बनता है, बनिया बनता है, वैश्य बनता है, ये बनता है, वो बनता है। लिहाजा मैं एक चीज को ला करके आपके पास रखना चाहता हूं। आज भारत के अंदर एक राष्ट्रवादी सरकार है। राष्ट्रवादी सरकार इसलिए है कि भारत में 800-900 साल के बाद भारत के सनातन समाज को पहली बार यह एहसास हुआ कि मैं यादव नहीं हूं, ठाकुर नहीं हूं, ब्राह्मण नहीं हूं, ये नहीं हूं, वो नहीं हूं, मैं हिंदू हूं। और मैं 135 करोड़ की आबादी में, मेरी 90% करोड़ मेरी आबादी है, 90-100 करोड़, लेकिन भारत की राजनीति में मेरी चर्चा नहीं होती,
मेरे बारे में समझ के कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाती, उन लोगों के बारे में बनाई जाती है जो 25 करोड़ है, 10 करोड़ है, 5 करोड़ है, 6 करोड़ है। तो ये बात थी कि जब भी कभी बात आती थी तो लोग कहते थे ये तो मुसलमान है, ये कोई नहीं उनसे कहता था तुम शिया हो, सुन्नी हो, अहले हदीस हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, उनसे नहीं कहता, तुमका नो 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 आप सब मुसलमान है। लेकिन हिंदू की जब बात आती थी तो कोई यादव हो जाता था, कोई ठाकुर हो जाता था, कोई बनिया हो जाता, तो ये सब तो रहे लेकिन हिंदू नहीं हुआ। तो आपने पहली बार अपने जीवन में अपने दिल पे हाथ रखिए, बुजुर्ग भी रखे, जवान भी रखे, मेरे हम उम्र के लोग, कि क्या यह सच नहीं है कि पहली बार हमने भारत के अंदर एक सरकार चुनते वक्त यह ध्यान दिया कि हम ना ठाकुर हैं ना ब्राह्मण हैं, हम हिंदू हैं और हम एक ऐसी सरकार बनाएं कि जो लोग हिंदुओं के सरोकारों से, उनकी आस्थाओं से, उनके मंदिरों से, उनके मठों से जो लोग भी खिलवाड़ कर रहे हैं, हम अपने मठ मंदिरों को मजबूत करने के लिए एक सरकार को चुनेंगे और सरकार हमें संविधान के धारा के अंदर जो भी ताकत मिली हुई है उसका हमें फायदा देगी, हम कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं चाहते। जो भी हमारे मंदिरों को तोड़ेगा उनको सजा मिलनी चाहिए, हमारे मंदिरों की रिपेयर होनी चाहिए। ये तमाम सारी सोची आपने तब 2014 पैदा हुआ। लेकिन ये भी सच है कि हम कई सौ सालों के बाद हम अपने मन की कोई सरकार बैठा पाए हैं। मैं ये भी नहीं कहता कि सरकार सब कुछ हमारे लिए कर देगी, लेकिन अगर समाज जागृत है, अगर समाज हर बात पे सवाल पूछेगा अपने बड़े एजेंडे के लिए, निजी निजी छोटे छोटे स्वार्थों के लिए नहीं, आज बिजली का बिल क्यों नहीं दिया जा रहा, आज जीएसटी क्यों नहीं कम किया जा रहा, आज इनकम टैक्स, ये निजी स्वार्थ है। आपने 70-80 साल तक सिर्फ सरकारों को दिया है और सरकार ने आपको वापस कुछ नहीं किया, और नहीं किया इसीलिए देश का प्रधानमंत्री नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग को संबोधित करते हुए कहता है कि भारत के प्राकृतिक संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, इसलिए उसकी कहने की हिम्मत होती है, इसलिए वो उन लोगों की बात करता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जब आपने वोट दिया, आपने सरकार बनाई और सरकार को यह एहसास कराया कि भाई हम तुमसे कोई फ्री का चावल, फ्री का बिजली का बिल हमें नहीं चाहिए, हम ये भी मान लेंगे कि इस बार भी ले लो, लेकिन हम जिस राष्ट्र को बचाने आए हैं, हमारी आस्थाओं का खिलवाड़ हो रहा है, हमारी मां बहनें सेफ नहीं है, हमारी लड़कियों को उठाया जा रहा है, हमारी माओं के साथ सड़कों पर रेप हो रहा है, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे मालदा हो, चाहे कानपुर हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे आजम, इनकी सुरक्षा के लिए आपको संविधान में जो मैंडेट है आप उनकी रक्षा करें, लेकिन सब कुछ सरकार करेगी मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूं एक जागरूक समाज जब ये मानता है कि सरकार को बना करके वोट देके बिठा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी समाज में जो कमियां हैं, वो हमारे अंदर की कमियां हैं, हमारे अंदर का जो डर है, जो लालच है, जो कायरता है, उसको जब तक आप नहीं निकालेंगे तो ये सिलसिला बरकरार नहीं रहेगा। इसलिए मैं मानता हूं कि राष्ट्र और राज्य में फर्क करना सीखें। राज्य को एक प्रधानमंत्री चलाता है, एक सरकार चलाती है, एक मंत्रिमंडल चलाता है, लेकिन राष्ट्र को मैं और आप चलाते हैं, उसकी आस्थाओं के लिए हम लोगों को लड़ना होता है। लेकिन हिंदू ये समझता है कि सब कुछ सरकार को करना चाहिए, मंदिर में ये कैसे हो गया तो सरकार करे, हमारे पीछे ऐसा हो गया तो सरकार, नहीं, आपको जागरूक होना है, अपने डर को बाहर निकालना है, अपनी कमियों को दूर करना है, अपने लालच को दूर करना है, और तब जाकर के एक सशक्त मजबूत देश और राष्ट्र बनता है। और जब राष्ट्र और समाज मजबूत होता है तो सत्ता पे बैठने वालों को बड़ा डर रहता है। सत्ता पे बैठने वाले ये जानते हैं कि समाज जागरूक है और यूनाइटेड है, अगर हमने इसकी बात नहीं मानी तो ये हमें सत्ता से बेदखल भी कर सकते हैं, किसी दूसरे को ताकत दे सकते हैं। सत्ता को हमेशा ये डर बना के रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी सत्ता आ गई तो ठीक है, इनको आप सत्ता से कहिए कि भाई हमने आपको सड़क बनाने के लिए नहीं भेजा है, सड़क तो सालों से बन रही है, हजारों सालों से सड़क बनती रही है, टूटती रही है, हमने आपको भारत राष्ट्र बनाने के लिए भेजा है, इस राष्ट्र को तोड़ने वाली शक्तियों को समाप्त करने के लिए भेजा है, हमने इस राष्ट्र की परंपराओं को, सरोकारों को बचाने के लिए भेजा है, हमने इस राष्ट्र की आस्थाओं को बचाने के लिए आपको भेजा है, आप काम करें, पूरी ताकत से करें, आपको 2014 पैदा करेंगे, 2019 पैदा करेंगे, 2024 पैदा करेंगे, ये भरोसा हम दिलाएं उन सरकारों को ताकि वो हमारे एजेंडे से ना उतरे।
जब आप सो जाते हैं सरकार में वोट देने के बाद, तो सरकार थोड़ा शिथिल हो जाती है। सरकार को शिथिल नहीं होने देना है, बिठाना इन्हीं को है, इनको डराना भी है, धमकाना भी है, लेकिन उतारना नहीं है। जो भी है इन्हीं से कराना है, लेकिन लगातार दबाव बना के रखना है, तब जाकर के हम एक लंबी लड़ाई लड़ेंगे। तब जो इतिहास के अंदर 6-6 मुसलमान भारत के शिक्षा मंत्री हुए, उन्होंने जो पाप किए हैं, जघन्य अपराध किए हैं, हिंदुओं के बारे में बताया गया है कि शिवाजी वॉज ए माउंटेन रैट, अकबर वॉज ग्रेट, महाराणा प्रताप वॉज नथिंग। तो ये जो सब कुछ हुआ है, उन 6-6 देश के 30 साल तक मुसलमान इस देश के शिक्षा मंत्री रहे, वो अपने एजेंडे पे काम करते हैं, वो अपने फिलॉसफी को चलाते हैं, वो सरकार वरकार की चिंता नहीं करते। इसलिए जब भारत का पहला गृह मंत्री मुसलमान बना, तो उसने अपने एजेंडे को किया और भारत के अंदर, भारत राष्ट्र के अंदर जो एक राज्य था जिसके अंदर मुसलमानों की मेजोरिटी थी, उस देश के गृह मंत्री ने वहां कम्मू कश्मीर में 5.5 लाख हिंदू कश्मीरियों को मार के भगा दिया और 2.5 लाख का रेप किया, मर्डर किया, खुलेआम किया। 2 दिसंबर को उसने शपथ ली और 19 जनवरी को उसने पूरे पूरे कश्मीर के अंदर आग लगा दी और कुछ कोई कुछ नहीं बोला। इसलिए क्योंकि वो अपने एजेंडे के लिए काम करते हैं, वो देश के लिए नहीं काम करते, वो गजवाए हिंद के लिए काम करते हैं, वो दारुल हरफ से दारुल इस्लाम के लिए काम करते हैं, और आपको पता ही नहीं चलता। हमारा नेता जाता है, वो 54-58 की काम करने लगता है, कहीं मकान खरीद लिया, कुछ कार खरीद ली, कुछ बिल्डिंग बना ली, वो सिर्फ ये करता है, वो राष्ट्र के लिए नहीं कुछ काम करता है, वो अपने लिए जीता है, उसका हर एक्शन अपने लिए होता है। इसलिए ऐसो की गिनती बहुत थी, अब तो 2-3 भेजे हैं आपने, बहुत सारे गुजराती हैं, मैं बार बार उनसे कहता हूं कि आपने ये कर्म अगर पहले किया होता तो ये दिन न देखने को मिलता। अगर आपने 1947 में जो गलती की थी उसका एक तरीके से प्राश्चित आपने कर लिया, लेकिन देर में किया, लेकिन फिर भी मैं गुजरात के लोगों को खासतौर से धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने लोगों को हमें भेज दिया और एक ऐसे डॉक्टर को भेजा जो 15 साल की प्रैक्टिस करके आया है, उसको पता है कि किसको कैंसर है, किसको फोड़ा है, किसको फुंसी है, किसको जहर देना है, किसको नहीं देना है, किसको दवा देनी है। तो ये काम अगर आप में चेतना होती तो बहुत पहले होता, लेकिन मैं मानता हूं देर आए दुरुस्त आए, कम से कम आप उस तरफ चलने तो लगे, कम से कम आपने ये तो सोचने की शुरू की कि भारत के अंदर ये माइनॉरिटी 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 का जो झूठ बोला जा रहा है, लगातार झूठ बोला जा रहा है, कोई सच नहीं बोलना चाहता। तो आज आपके सामने कुछ प्रश्न रखता हूं मैं कि आर्टिकल 370 हट गया, 35 पे हट गया, राम मंदिर पे फैसला आ गया। अरे जब यहां लोग आए थे, लुटेरे आए थे, तो क्या मुझे ये बता सकती हैं विजया जी कि क्या उन्होंने सरकार से कानून से तोड़ तोड़ के पूछ पूछ के मंदिर तोड़े थे क्या? ये जो यहां 30,000 मंदिर तोड़े, ये कानून से पूछ के तोड़े कि हम इसे तोड़ दें, क्या हमारे पास इसका मैंडेट है तो हम इसे तोड़ दें? उन्होंने पूछे थे क्या? लेकिन वो तोड़ के चले गए और इस तरीके से तोड़ के गए कि उन्होंने मंदिर को तोड़ा और मंदिर की छत के ऊपर मस्जिद बना दी, ताकि आपकी आने वाली नस्लें हमेशा देखें, कुंठित रहें, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स की शिकार रहे और उनके अंदर उन बर्बर लोगों का डर हमेशा बैठा रहे। वो ये जानबूझ के गए, लेकिन आज देखिए हमारी सरकार है, ये देश हिंदुओं का है, हिंदू मेजोरिटी में है, आप सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, आप सबसे ज्यादा कानून का पालन करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सरकार आप ही को इग्नोर करती है। हर आदमी सत्ता पर बैठते ही मुसलमानों की बात करने लगता है, उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा नौकरियां दें इसकी खुश करता है, कौन एक बात करने लगता है, उनको जो जो चीजें नाजायज तरीके से, इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, इमोरल तरीके से जो उन्होंने अपने अंदर ले ली है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। भाई प्रधानमंत्री जी ने जब ये कहा कि जो लोग अमीर हैं, जो लोग सामर्थ हैं, वो गैस की सब्सिडी छोड़ दें, तो मुझे बताइए कितने सामर्थ मुसलमानों ने गैस की सब्सिडी छोड़ी थी? नहीं छोड़ी। लेकिन हमें यह तो सवाल पूछना चाहिए कि गैस की सब्सिडी तो हमने छोड़ी थी, हमने कहा कि इस देश में हमारा जो साथी है, लेकिन वो सब्सिडी किसे दी जा रही है? जो आपकी सब्सिडी से ले जा रहा है, आपकी सब्सिडी से उसको चावल भी मिल रहा है, बिजली का बिल भी मिल रहा है, गैस भी मिल रही है, लेकिन वही आपका गला भी काट रहा है, वही कमलेश तिवारी को काट रहा है, वही बंगलौर में 400 गाड़ियों को लगा रहा है आग, वही दिल्ली में दंगा करके आईबी के ऑफिसर को मार रहा है, वही 90 दिन तक शाहीन बाग बना के नेशनल हाईवे को आपको जाम कर देता है, वही लोग आज किसान आंदोलन में बैठकर बिरयानी खिला रहे हैं। तो हम किसको मजबूत कर रहे हैं और किस लिए मजबूत कर रहे हैं? क्या सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए हो रहा है? अगर आप राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये कर रहे हैं तो ये बहुत डेंजरस गेम है कि सत्ता तो आनी जानी है, आज नहीं कल, कल नहीं 10 साल 20 साल 25 साल, लेकिन जो लोग व्यवस्था में बैठ जाएंगे वो तो 40 साल तक खेल करेंगे, फिर फखरुद्दीन जैसे जज पैदा होंगे,
जो अपनी कुर्सी पर बैठ के इतने मुसलमान से कहते हैं कि तूने हिंदू को गोली क्यों नहीं मारी, तू गोली मार देता, मेरे पास आता, मैं तुझे बचा लेता क्योंकि मैं यहां बैठा हूं, तेरा भाई हूं, तो हम व्यवस्था में ऐसे ही लोग देखेंगे फिर। इसलिए पॉलिटिकली मुसलमान को आपने टिकट नहीं दी, वो नहीं जीत नहीं आया, लेकिन क्या हमने व्यवस्था में उसको वो ताकत दे रहे हैं? क्या हमारे 1,00,000 रुपए जो हम टैक्स जमा करते हैं, जो हमारे मंदिरों का चढ़ावा है, जो सरकार हमसे ले लेती है, उस पैसे से कि मुसलमानों को आईएएस पीसीएस नहीं बनाया जा रहा? उस पैसे से महाराष्ट्र के अंदर पुलिस में भर्ती नहीं हो रही मुसलमानों की? यह सोच के मुसलमानों की भर्ती क्यों की जा रही है कि उनकी भर्ती करनी है ताकि जब मामला बराबर का बटने का आए तो जिसके हाथ में बंदूक होगी वो चलाएगा ना, वो ये तो नहीं पूछेगा कि ये सरकारी बंदूक है या नकली बंदूक है या ये इलीगल है या लीगल है, वो तो वही चलाएगा क्योंकि वो तो आपसे ताकत लेकर के अपने गजवाए हिंद के एजेंडे में लगा हुआ है। वो मंत्री हो, वो संतरी हो, वो उपराष्ट्रपति हो, सब उसी एजेंडे में लगे हुए, आप उन्हीं को मजबूत कर रहे हैं और मेरे पैसे से ही कर रहे हैं। तो सवाल सबसे बड़ा ये कि सवाल तो हमें पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए भाई, कि हमारे बच्चों के लिए कोई 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 आप कोई कोई योजना है आपके पास कि नहीं योजना है, कि सिर्फ हमारा काम ही है कि जीएसटी दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, और उसके बाद में हमारे पैसे से जो है दूसरे लोग पढ़ रहे हैं और वो लोग पूरे पूरे दुनिया भर में आग लगाते घूम रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो पैसा भी आपसे ले रहे हैं, गाली भी आपको दे रहे हैं, रात को तोड़ भी रहे। तो ये समाज क्योंकि जब जागृत नहीं होता तो यही होता है। इसलिए मैंने कहा कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बन गया। आप में से कितने लोगों को पता है कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी जो है वो लीगल है या इलीगल है? जब भारत के संविधान में 1976 में सेकुलर शब्द को जोड़ दिया गया, थोड़ी देर के लिए मान भी लें, तो जब सेकुलर भारत हो गया तो फिर 1993 में ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी क्यों बना? किससे पूछ के बना? किन कारणों से बना? और फिर आप लगातार उसको उसका बजट बढ़ा रहे हैं, अरबों खरबों रुपए का उसका बजट है, और जब माइनॉरिटी आपने बना दिया तो 50,000 पारसी भी माइनॉरिटी है, 1.5% सिख भी माइनॉरिटी है, 1% जैन भी माइनॉरिटी है, 1.25% बौद्ध भी माइनॉरिटी है, और 3.5% क्रिश्चियन भी माइनॉरिटी है, और 22% मुसलमान भी माइनॉरिटी है। तो ये किस आधार पे आपने किया? और माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन 99% मुसलमान होता है, और ऐसा मर्दूद और ऐसा जलील आदमी भी होता है जो भारत का उपराष्ट्रपति बनता है और उपराष्ट्रपति पद से उतरते ही कहता है कि मुसलमानों को बहुत डर लगता है। वो एम्बेसडर रहता है तो डर नहीं लगता, वो माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन रहता है तो डर नहीं लगता, वो एएमयू का वाइस चांसलर रहता है तो डर नहीं लगता, लेकिन 10 साल पूरे होने के बाद देश में ये मैसेज देता है उस पंचर वाले को कि देखो मैं उपराष्ट्रपति होते हुए भी ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को डर लगता है। तो ये ब्लैकमेलिंग चल रही है कि नहीं चल रही है? हम जिनको हमने खिला पिला के मजबूत किया है वही हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, वही दुनिया में हमें बदनाम कर रहे हैं। तो ये सिलसिला कब तक चलेगा भाई? इसको रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? लेकिन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बना हुआ है, उसमें धड़ल्ले से अरबों खरबों का रुपया दिया जा रहा है, वहां से मुसलमानों को आईएएस और पीसीएस बनाया जा रहा है और भारत की व्यवस्था में बिठाया जा रहा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि भारत राज्य के अंदर, भारत देश के अंदर जितने भी राज्य हैं उसमें से 9 राज्यों में हिंदुओं की गिनती माइनॉरिटी है। लक्षद्वीप में 2% हिंदू है, मेघालय में 11% हिंदू रह गए हैं, मणिपुर में 31% रह गए, अरुणाचल में 29% रह गए, नागालैंड में 1.75% रह गए, मिजोरम में 2.75% हिंदू रह गए, जम्मू कश्मीर में 28% हिंदू रह गए हैं, पंजाब में 38% रह गए। तो वह 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में है। तो ये देश को नहीं पता, लोग कहते हैं अरे क्या हो गया, इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई इससे तो फर्क ये पड़ता है कि अफगानिस्तान चला गया तब भी आप कहते थे कोई फर्क नहीं पड़ता, बांग्लादेश चला गया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, श्रीलंका चला गया तो। ये तो आपकी हारी हुई और कायरता की मानसिकता है कि आपकी शर्ट किसी ने छीन ली तो क्या फर्क पड़ता है, आपकी टोपी किसी ने छीन ली तो आपको क्या फर्क पड़ता है, आपकी पैंट किसी ने छीन ली तो आपको क्या फर्क पड़ता है, तो फिर आपसे ज्यादा तो बेहया कोई है ही नहीं, फिर तो आपका सारे कपड़े उतार के वो छीन के ले जाते, तो क्या फर्क पड़ता है? तो ये तो मतलब अगर इस तरीके की मानसिकता हमारी हो गई है तो फिर हम लड़ने वाले लोग नहीं है, फिर हम एक सभ्यता के तौर पर जाने जाए, हमें नहीं, हमें शायद जिंदा रहने का अधिकार नहीं है अगर हम इतने कायर और लालची हो चुके हैं कि हम किसी बात से उसका प्रतिकार नहीं करना चाहते। क्या पागल कुत्ता आपको काटता है तो आप उससे कहते हैं नहीं नहीं बेटा तुम मुझे काटो मत, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा? आप कहते हैं क्यों? उस पागल कुत्ते को आप मारते हैं तब आप अहिंसक क्यों हो जाते हैं? लेकिन पागल आदमी आपके घर पे आकर के आपको चाकू से मारता है तो आप कहते हैं हम भाई भाई? तो कंफ्यूजन आप में है, उनमें नहीं है। वो 1400 साल पहले जो सोचते थे वो आज भी सोच रहे हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि सरकार किसके पास है, वो अपने एजेंडे पे लगे हुए हैं, वो मरने के लिए तैयार है। अब आप कहिए हम मरना नहीं चाहते, तो सारे लोग अमेरिका नहीं जा सकते, सारे फ्रांस नहीं जा सकते, सारे जर्मनी नहीं जा सकते, सब यहीं को रहना है। अगर यही भूमि खत्म हो जाएगी तो फिर आपके पास बचेगा क्या? क्या विदेशों में जाकर के जान बचाने से सभ्यता संकट में सभ्यता बच जाती है क्या? किसके भरोसे आप या हम तमाम दुनिया के लोग जो है किसके भरोसे इस देश को छोड़ के जाएंगे? सब कुछ सरकार की जिम्मेदारी है।
सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। अगर समाज जागरूक होता तब करेगा, तब सरकार कुछ करेगी। इसलिए 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में आ चुका है, कोई जानना नहीं चाहता, कोई पढ़ना नहीं चाहता। 1993 के अंदर एक कानून बन गया, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी। 95 के अंदर एक और जघन्य अपराध हो गया, वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट आ गया। उस वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट को आपने संविधान और संसद से इतनी ताकत दे दी है, इतनी ताकत दे दी है कि वो ताकत मैं समझता हूं भारत की सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं है। लेकिन ये देश को नहीं पता, देश जानना नहीं चाहता। उनको लगता है यार अच्छा ठीक है यार, हम क्या कर सकते हैं यार, छोड़ो ना यार, चलो यार फलानी पिक्चर देखने जाते हैं। हम बीमारी को अवॉइड कर रहे हैं, हम उस तरफ ध्यान नहीं देना चाहते, हम बचना चाहते हैं, कहीं हमें कुछ करना ना पड़े, कहीं हमें अपना आराम ना छोड़ना पड़े, कहीं हमें सुविधाओं से ना भागना छोड़ना पड़े, इसलिए हम उसको अवॉइड कर रहे हैं। जब वो आपके पूरे जिस्म में कैंसर होके गले तक आ जाए तब आप उसका इलाज कराएंगे, तब वो इलाज नहीं होता, तब मरीज को मरना ही होता है। हिंदू सनातनी समाज कब तक अपनी जिम्मेदारियों से भागेगा? उसकी जिम्मेदारी क्या है ये उसको पता ही नहीं है। वोट डालना आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? भारत के 90 करोड़ सनातनी ये तय कर लें कि हमें वोट डालना है, किसी को डालें? 90 आप 100% है, 100 करोड़ में से आपके 10 करोड़ 15 करोड़ लोग वोट डालते हैं, बाकी डालते ही नहीं। उनके 25 करोड़ है तो 20 करोड़ वोट डालते हैं, तो उनकी ताकत आती है बाहर निकल के। आपको वोट डालने में प्रॉब्लम है, हम वोट डालने जाते हैं, अरे हमें क्या करना है यार, छोड़ो ना ये गुंडे बदमाशों पर, ये कहकर के तो नहीं होगा ना। आप भी तो उसी देश में रह रहे हैं, मैं भी तो उसी देश में रह रहा हूं, ये कहकर के हमारी जिम्मेदारी नहीं हो सकती। हम पैसा कमाने और दूसरे कामों पर इतना समय लगाते हैं, लेकिन क्या हम ये मानते हैं कि हमें अपनी वोट जाके डालना ही चाहिए? हमारी गिनती है ताकि जाके हम अपने आदमी को जिता सकें, हम नहीं करते। मैंने कभी किसी से नहीं कहा किस पार्टी को वोट दो, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि राष्ट्र के प्रति जो लोग समर्पित हैं या राष्ट्र के प्रति जो गंभीर हैं, आप उन्हें जिताइए। मैंने ये कभी नहीं कहा इस पार्टी को वोट दीजिए, लेकिन कभी सामूहिक तौर पर हमने इन बातों की चिंता नहीं की। इसलिए हम इस राष्ट्र को बचाने के लिए आप सबसे मैं विनती कर रहा हूं, आप सबसे विनती कर रहा हूं, मुझे जिंदगी में कोई राजनीति नहीं करनी। और 25 साल के कैरियर में कई ऐसे मौके आए जब सत्ता वालों ने बहुत कुछ मुझसे पूछा, मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। और आज भी ये जो मैं इतनी ताकत के साथ बोल पाता हूं उसके पीछे एक ही वजह है, 25 से 27 साल के कैरियर में जिंदगी में मैंने किसी नेता के यहां चाय नहीं पी है, और आज भी सैलरी की कमाई से मकान नहीं बना सकता मैं दिल्ली में, आज भी किराए के मकान में रहता हूं, कोई सिफारिश नहीं ली मैंने आज तक किसी से। और आपको यकीन न माने तो मैंने मोदी और अमित शाह को सामने से नहीं देखा। लोग समझते हैं कि रोज मुझसे बात करते हैं वो, लोगों को ऐसा लगता है रोज मुझसे ही बात करते हैं, रोज मुझसे ही समस्याएं पूछते हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा। इसलिए जब मैं जोर से बोलता हूं तो लोगों से कहता हूं कि जब तक यहां पर नहीं आग होगी, जब तक यहां पे आग नहीं होगी, आवाज नहीं निकलेगी। यहां पे कुछ और है, यहां कुछ और है, तो फिर आपकी आवाज भी धीमी होगी, एजेंडा भी आपका कमजोर होगा, और हर शब्द में यह होगा कि किसको अच्छा लग रहा है, किसको बुरा लग रहा है, किसको मुझे अपने जुमलों से खुश करना है। तो आपकी जुमलों से कुछ लोग खुश हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र खुश नहीं हो सकता। अगर राष्ट्र को खुश करना है तो दुनिया का कोई आदमी आपसे नाराज हो जाए, दुनिया की कोई सत्ता आपसे नाराज हो जाए, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सत्ता से बड़ा राष्ट्र है। सत्ताएं आती हैं, जाती हैं, चली जाती हैं, पार्टियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, संगठन टूटते हैं, लेकिन राष्ट्र नहीं टूटना चाहिए। देश भारत कई बार टूटा है, कई बार टूटा है भारत राष्ट्र, भारत देश, लेकिन भारत राष्ट्र नहीं टूटा है। ये इस बात की मिसाल है कि आप फ्लोरिडा में बैठे हैं, कोई कनेक्टिकट में बैठे हैं, कोई कैलिफोर्निया में बैठे हैं, ये कौन सी चिंता है? तो जीवन के आप महत्वपूर्ण ऐसे देश में जहां टाइम की सेकंड सेकंड की वैल्यू होती है, आपको राष्ट्र की चिंता है, जिसलिए मैं इतने ऐसे ऐसे बुजुर्ग लोगों को देख रहा हूं, किशोरी सिन्हा साहब बैठे हुए हैं, रविंद्र जी बैठे हुए हैं, ये लोग कौन लोग हैं, क्यों बैठे हुए हैं? क्या इस भाषण को सुनने के बाद उनकी बिजनेस में कोई इजाफा होने वाला है? क्या मेरी बातों को सुनने के बाद उन्हें कुछ मिलने वाला? नहीं, ये मन के अंदर की चिंता है जिसके कारण अपना समय लेकर के वो ये बैठे हुए हैं। इसलिए
आप जहां बैठे हैं वहां भारत राष्ट्र जीवित है, आप जहां चलते हैं लोग आपको भारतीय राष्ट्र का मानते हैं, वो देश जिसकी क्या परंपरा है, वो देश ये सूरज की पूजा करते हैं, ये पानी की पूजा करते हैं, ये पर्यावरण की पूजा करते हैं, ये प्रकृति की पूजा करते हैं, ये ऐसे लोग हैं, इनकी कोई पैगंबर नहीं है, इनकी कोई किताब नहीं है, ये धर्म न पैदा हुआ है न मरेगा, जो पैदा हुए हैं, जो पेड़ पैदा होता है उसको एक दिन गिरना होता है, जो मजहब पैदा हुआ है उसे मरना ही है, वो कब मरेगा मैं नहीं जानता, और बहुत से मजहब मर गए। तो मजहब उर्दू में उसका हिंदी में ट्रांसलेशन धर्म नहीं होता, इसलिए आप जब धर्म शब्द का इस्तेमाल करें तो ये इस्तेमाल करें कि धर्म माने ड्यूटी, आपका दायित्व क्या है, एक पिता का बेटी के प्रति क्या दायित्व है, एक राजा का अपनी पिता के प्रति क्या धर्म है, ये मंत्रों का उच्चारण, ये मंदिर में घंटी, ये धर्म नहीं है। रिलीजन का हिंदी में ट्रांसलेशन पंथ है, धर्म नहीं है। हम लोग अपने जीवन में चलते फिरते कहते हैं कि मैं आज धर्म संकट में फंस गया कि मैं ये करूं या ना करूं, क्या इसका मतलब ये होता है कि मैं हनुमान जी की पूजा करूं या मैं राम की पूजा करूं, ये तो नहीं है ना। धर्म का मतलब होता है यार मैं अपना ये वाला दायित्व निभाऊं या ये वाला दायित्व निभाऊं, उसी को धर्म कहते हैं। हमने ट्रांसलेशन गलत कर लिया है, इसलिए हमने झूठी बातों को मान लिया है। सारे धर्म बराबर हैं, सारे धर्म होंगे तो बराबरी होगी। धर्म और रिलीजन में इतना फर्क है कि रिलीजन एक नाली है जिसके अंदर पानी रुक जाता है तो बदबू आने लगती है। जो 1400 साल से पानी रुका हुआ है उसमें बदबू आ रही है, जो 2000 साल से रुका हुआ है उसमें बदबू आनी शुरू हो गई है। लेकिन धर्म क्या है? धर्म और रिलीजन में फर्क इतना ही है कि मजहब नाली है और धर्म समुंदर है। समुंदर और नाली में कोई किसी किस्म का कंपैरिजन नहीं हो सकता। इसलिए आप एक एक हिंदू सनातनी ये समझे कि वो एक विशाल है, बहुत बड़ा है, उसे अपने बड़े होने का परिचय देना चाहिए। समुद्र के अंदर भी बहुत दिन तक आप उसके अंदर गंदगी डाल डाल के ऐसे हालात करते हैं कि एक दिन समुद्र भी फट पड़ता है और सुनामी आ जाती है, हजारों लोग मर जाते हैं। इसलिए नाली बहती है तो हो सकता है उसकी गंदगी से कुछ लोग दूर हट जाएं, नाली का रास्ता मोड़ दें, लेकिन समुद्र में जितनी सहनशीलता होती है, सनातन में जितनी सहनशीलता है, वो सहनशीलता आपकी कायरता में न बदल जाए। आपको सहनशील भी होना है और समय पे आके उस सहनशीलता का नकाब उतार करके आपको रौद्र रूप भी दिखाना है, ताकि चंडाल चौकड़ी ये जिहादी ये कन्वर्ट करने वाले जो फादर घूम रहे हैं इनको ये याद रखे कि जब तक ये सहन कर रहे हैं तब तक है, अगर हमने सीमा क्रॉस की तो ये इनका रौद्र रूप भी हो सकता है। समुद्र में सुनामी आ सकती है तो हर हिंदू सनातनी के अंदर भी एक सुनामी बंद है। इसलिए ये मत कहिए कि हजारों साल से थे हजारों साल रहेंगे, नहीं, ईरान भी गया इराक भी गया, सबको पता है, ये इतिहास बताने का नहीं है। मत करो इस बात का अपने बारे में बोध कि नहीं कुछ नहीं होता, नहीं कुछ नहीं होता, नहीं कुछ नहीं होता। आपको नहीं पता कि भारत में सनातनी औरतों की आबरू जो है किस किस तरीके से चौराहे पे लुट रही है, अंदाजा ही नहीं है आपको। खबरें नहीं दिखाई जा रही, बताया नहीं जा रहा। 2014 से 2019 तक, उन 2020 के दिसंबर तक आप सबके सामने पूरी ताकत के साथ, तथ्यों के साथ, मेरी टीम ने पूरे देश के अंदर से रिकॉर्ड निकाला है। 2014 से दिसंबर 2019 तक का हमने रिकॉर्ड बनाया है। हम किसी एजेंडे से ड्रिविन नहीं है। 182 हिंदू किल्ड बाई मुस्लिम मॉब लिंचर्स, 182। लेकिन हमारे सिर्फ जहन में एक ही नाम है, अखलाक को मार दिया, अखलाक को मार दिया, हिंदुओं ने अखलाक को मार दिया। अरे भाई, हिंदुओं ने अखलाक को तो किसी गलतफहमी में भी मार दिया या जानबूझ के मार दिया, उसके मारने वाले जेल में गए और जेल में उसकी मौत हो गई। लेकिन इस देश में 182 हिंदू, ठाकुर, दलित, महादलित, यादवों की हत्या मुसलमान मॉब लिंचर्स ने पूरे देश में की है। मरने वाले का नाम, उसके पिता का नाम, मारने वाले का नाम, इलाके का नाम, थाने की रिपोर्ट, ये सब डाटा कलेक्ट किया है। लेकिन 182 हिंदू सनातनियों की मुसलमानों द्वारा हत्या करने के बाद भी इस देश में कभी मॉब लिंचिंग की चर्चा नहीं हुई, क्योंकि हम
जब तक समस्या हमारे सर पे ना आ जाए हम बोलते नहीं हैं। हमको लगता है क्या फर्क पड़ता है, कोई राजस्थान में किसी ने मार दिया, बंगाल में किसी ने मार दिया, 5 लाख भी भाग गए, 2500 कर रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो यहां सेफ बैठे हुए। नहीं, जब तक एक एक बच्चा भारत की धरती को, भारत की राष्ट्र को, भारत की परंपराओं को बचाने के लिए नहीं लड़ेगा, जिससे हम जाने जाते हैं, मेरे नाम के आगे क्या सरनेम लिखा है, किसी के सामने त्रिपाठी लिखा है, किसी के सामने अग्रवाल लिखा है, किसी के सामने शर्मा लिखा है, ये हमारी पहचान नहीं है, ये हमारी पारिवारिक पहचान है। राष्ट्रीय पहचान हमारी है कि हम सब मंदिर जाते हैं, हम सब उपनिषदों को मानते हैं, हम रामायण को मानते हैं, हम गीता को मानते हैं, भगवान पुरुषोत्तम राम की पूजा करते हैं तो हम कृष्ण की भी पूजा करते हैं, जो हमारे आस्था के केंद्र हैं। लोगों ने तो आपके आस्था के केंद्र को भी छिन्न भिन्न कर दिया और 500 साल तक आप लड़ते रहे और 150 साल तक आप कोर्ट में खड़े होकर मिन्नतें करते रहे, रिझाते रहे जजों को, तब आपको फैसला मिला। क्या आज जिंदा कौमें ऐसे जिंदा रहती हैं? उन जिंदा कौमों का सम्मान ऐसे होता है? अगर आपका सम्मान दुनिया की निगाह में यह है कि आप हर चीज भीख मांग के लेते हैं, बार बार ठोड़ियों में हाथ डाल के लेते हैं, 500 साल के बाद आप अपने अपने ही मंदिर को चोरों द्वारा लुटेरों द्वारा तोड़ने के बाद आपकी कोर्ट क्या फैसला करती है? क्या आपकी कोर्ट कहती है कि अयोध्या में राम मंदिर के लिए हमने आपको कहा कि यहां राम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन यह दुनिया की पहली ऐसी कोर्ट है जिसने इतना अपोलोजिस्टिक फैसला किया, लेकिन उसने यह भी कहा कि अयोध्या की धरती पे बाबर का जो तोड़ा हुआ मंदिर था तो बाबर के मानने वाले लोग वहां बाबरी मस्जिद बना ले, यानी अयोध्या में बाबर का नाम मौजूद रहेगा। आप मंदिर कितने लोग जाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी वहां बाबरी मस्जिद नाम से कुछ बनेगी दुनिया का मुसलमान वहां जाएगा, आपकी अयोध्या का महत्व ही खत्म हो जाएगा। कोई मंदिर नहीं जाने वाला, सबसे ज्यादा तो उस बाबरी मस्जिद का महत्व होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में 25 से 30 करोड़ मुसलमान वहां जाएगा, वहां पे उर्स होंगे, कव्वाली होगी, बड़े बड़े इज्तिमा होंगे। तो आपने तो अयोध्या की धरती के ऊपर भारत को भारत की कोर्ट ने जिंदा कर दिया कि आप 5 इतने एकड़ लैंड ले लीजिए। ये कैसा फैसला है? अगर बाबर बर्बर था और उसने ये मंदिर तोड़ा था तो उसको फिर किस बात का पुरस्कार देना था आपको, लेकिन दिया। ये हमारे अंदर हमारे डीएनए में जो डर बैठा हुआ है, हमारे डीएनए के अंदर ये जो भाईचारे का फ्रॉड बैठा हुआ है, इसलिए हम ये सब करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं व्यवस्थाओं को आप नहीं रोक सकते, लेकिन आप समाज में कम से कम एक बार तो ये मैसेज दें दुनिया को कि हम हैं कौन भाई। हम बहुत सारे भगवानों की बातें करते हैं, हम दुर्गावती वीर सावरकर और सभी क्रांतिकारी बलिदानियों का जीवन अधर्म और अनाचार के प्रति असहिष्णुता की कहानी बताता है। आप बताइए कि कौन सा हमारा ऐसा भगवान था जो इनटॉलरेंस नहीं था? कौन हमारा भगवान ऐसा था जो कि टॉलरेंट के नाम पे, अगर भगवान राम टॉलरेंट होते तो फिर समुद्र के ऊपर तीर कमान नहीं चढ़ाते, अगर टॉलरेंट होते तो राक्षसों का वध नहीं करते। उन्होंने राक्षसों का वध किया क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी को छुड़ा के लाना था, इसलिए राक्षसों के प्रति वो इंटॉलरेंट हुए। भगवान कृष्ण इंटॉलरेंट हुए, उन्होंने पूतना को चढ़ाया, कालिया नाग को मारा, वो इंटॉलरेंट हुए। तो हम इंटॉलरेंट किस लिए हो रहे हैं? अनाचार को, अधर्मी को, आतंकवादी को मारने के लिए हमें इंटॉलरेंट होना होगा। इसलिए मैं ये नहीं मानता कि भारत में हम सब इंटॉलरेंट हैं, हम तो बड़े असहिष्णु लोग हैं। सहिष्णुता का मतलब नहीं होता कि आपके खाने के अंदर कोई गंदी चीज पड़ जाए तो हम इंटॉलरेंट है, खाने को नहीं फेंकेंगे, उसी को खा लेंगे। कोई बदमाश हमारे घर में घुस जाएगा तो हम कहेंगे हम तो टॉलरेंट लोग हैं, आप भी आ जाइए, आप भी खाइए, हमें मार दीजिए, कोई होता ही? क्योंकि हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों ने झूठ बोला गया। राष्ट्रीय प्रतीकों में महात्मा गांधी को क्रिएट करके झूठी कहानियां सुनाई गई। इसलिए मैं कहता हूं सच बोलो, कम से कम उन किताबों को पढ़ो जिन किताबों को वो लोग लिख के गए हैं। ये किताब मैंने नहीं लिखी है, इस किताब का नाम है गांधी एंड एनार्की। आप कहेंगे ये किताब किसने लिखी है? ये किताब 1897 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे सी शंकरन नायर, 1897 में गांधी एंड एनार्की, सर सी शंकरन नायर वाज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1897 में वो मद्रास हाईकोर्ट के जज बने। पेज नंबर 132 के ऊपर, अपेंडिक्स 3 पेज 132,
उसके ऊपर मैडम एनी बेसेंट नाम की एक महिला थी, ये पेज नंबर 132 की बात कर रहा हूं। एनी बेसेंट ने इसमें आर्टिकल लिखा मालाबार अगोनी, 1920 में भारत के तथाकथित आरटीआई द्वारा पता किया गया कि महात्मा ये कभी नहीं थे, ना कोई टाइटल था। लेकिन ताज्जुब यह है कि दुनिया किसी को महात्मा कहने लगी तो अखबारों और नोटों पे उनका नाम छपने लगा और उसमें भी महात्मा गांधी लिखा जाने लगा। महात्मा गांधी ने 1920 में टर्की की खिलाफत मूवमेंट को, खलीफत मूवमेंट को सपोर्ट किया। उस दरमियान मोपला नाम की जगह है केरला में, हजारों हिंदुओं को एक ही रात में मुसलमानों ने काट दिया और गांधी जी उस पर चुप बैठे रहे। ये एनी बेसेंट लिख रही है, ये कोई आरएसएस का आदमी विश्व परिषद का नहीं लिख रहा, हमने नहीं पढ़ा ऐसी किताबों को। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज भारत के अंदर कुछ सरदारों ने, वो पता नहीं सरदार है भी कि नहीं है, वो निक्की हेली और वो बॉबी जिंदल के वंशज है तो बात अलग है, लेकिन वो गुरु गोविंद सिंह की औलादे मुझे नहीं लगती हैं। वो आज जिस तरीके से गाली दे रहे हैं, भारत राष्ट्र को गाली दे रहे हैं, सनातन को गाली दे रहे हैं, चंद टुकड़ों पे पलने वाले लोग, चंद इनाम और डॉलर की घोषणा करने के बाद लोग, जिन कारणों से सिखों का उदय हुआ, आज वो यानी लाल किले के सामने जो आपने गदर देखा, लाल किले के सामने जो आपने अराजकता देखी, उसी लाल किले के सामने एक गुरुद्वारा बना हुआ है। उस गुरुद्वारे का नाम है गुरुद्वारा सीसगंज। मैं उन सिखों से पूछना चाहता हूं, मैं गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों से पूछना चाहता हूं कि गुरुद्वारा सीसगंज क्यों कहा जाता है, कि वहां उनके गुरु का सीस काटा था। किसने? जिहादी मुसलमानों ने, मुगलों ने। आज सीस काटने वाले और सीस का जिनका काटा गया है वो भारत के हिंदू सनातनियों को चुनौती दे रहे हैं। ये किताब मैंने नहीं लिखी, इस किताब को पढ़ें। ये सब उस जमाने की किताब है जो कोई पढ़ना नहीं चाहता। इस किताब का नाम है मुस्लिम लीग अटैक ऑन सिख्स एंड हिंदूज इन द पंजाब इन 1947। इस किताब के लिखने वाले हैं सरदार गुरबचन सिंह तालिब। कैसे एक एक घर को मुसलमानों ने लूटा। आज जो लुटेरे थे और जिनका घर लूटा वो एक साथ खड़े होकर के देश में किसानों की बात कर रहे हैं। ये एक राजनीतिक एजेंडा है। और सरदारों के मैं वीडियो देख रहा हूं, वीडियो बना बना के सरदार बता रहे हैं कि पाकिस्तान हमारी मदद नहीं कर रहा और हमारा तो पाकिस्तान दोस्त है और हम तो दो बहादुर कौमें हैं और हमें तो हिंदुओं को मारना है। सरदार अपने वीडियो बना रहे हैं, कोई अमेरिका से भेज रहा है, कोई कनाडा से भेज रहा है, कोई इंग्लैंड से भेज रहा है, और सनातनी समाज खड़ा हुआ है। उनका प्रतिकार करना चाहिए, उनको काउंटर करना चाहिए, तथ्यों पर काउंटर करना चाहिए, हम नहीं करते। इसलिए मैंने कहा कि हमारे सामने जो चुनौतियां हैं उनको क्या हम चुनौती मानते भी हैं, उनको कोई प्रॉब्लम मानते भी हैं? अगर हमने उनको प्रॉब्लम माना तो मुझे 100% मानता हूं कि फिर आपको इलाज जरूर मिलेगा। लिहाजा एक नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जिसे मैं कहना चाहता हूं। और खास तौर से मैं ये बताना चाहता हूं आप लोगों को कि आप लोग ये जो हमारे यहां मजारें बनी हुई हैं, ये शाह वलीउल्लाह की मजार है। मैं इसलिए बार बार कहता हूं, कुछ चीजों को रिपीट करता हूं आप लोगों के माध्यम से, ये शाह वलीउल्लाह कौन था? हम उसे पीर समझते हैं। पीर कौन होता है? जो राजा द्वारा अपॉइंट किया आदमी होता है। वो पीर जिसने चिट्ठी लिख करके अहमद शाह अब्दाली को भारत में बुलाया कि भारत में इस्लाम खतरे में है, उसकी यहां मजार बनी हुई है दिल्ली में, और हिंदू औरतें वहां जाकर के उससे मन्नत मांगती हैं। अरे जिंदा आदमी से मांगो तो कुछ देगा, मरा हुआ आदमी अगर कुछ दे सकता था तो अपने लिए दे देता ना, फिर तो वो मरते ही नहीं। हम सनातन के लोग, सूरज को पूजने वाले लोग, पर्यावरण को पूजने वाले लोग, धरती को पूजने वाले लोग, लाशों को पूजने लगे और लाशों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारा घर भर देगा। उस पे जो पैसा चढ़ा रहे हैं वहां से पैसा किसको जा रहा है? वो जकात के माध्यम से जिहादियों तक पहुंच रहा है, वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया तक पहुंच रहा है, वो जैश ए मोहम्मद तक पहुंच रहा है, वो जमीयत उलेमा हिंद पहुंच रहा है, वो MIM तक पहुंच रहा है पैसा, लेकिन हमें पता ही नहीं। हमने मंदिर बना दिए हैं रिश्वत चढ़ाने के लिए, वो आस्था के केंद्र नहीं है मंदिर हमारे। हम मंदिर में जाते हैं और वहां जाकर के पैसा देते हैं कि ये हमारा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बेटा पास होगा कि नहीं होगा। भगवान अगर बेटा पास नहीं हुआ तो भगवान बदल देते हम तो।
मंदिर बदल देते हैं अपना और काम के हिसाब से रिश्वत देते हैं हम। बेटी की शादी होगी, ए भगवान मेरी बेटी को अच्छा लड़का मिल जाए तो मैं भंडारा कराऊंगी, और भगवान ने अच्छा वर नहीं दिया, उसे छोड़ के हम संतोषी माता के पास चले गए, फिर दुर्गा माता के पास चले गए। तो मंदिर क्या है? मंदिर हमारी आस्था का केंद्र नहीं है। मंदिर एक वो मशीन है जहां हमारा काम होगा या नहीं होगा, होगा तो प्रसाद चढ़ाएंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे तुम्हें। हमने तो ये बना दिया है, हम तो इतने प्रोफेशनल हो गए हैं। इसलिए मंदिरों पर जब तक सरकार, जो हमारी टीम लड़ाई लड़ रही है, जय साईं दीपक, जो बेहतरीन आईआईटी के स्टूडेंट रहे हैं, फर्स्ट क्लास स्टूडेंट है, टॉपर हैं, आईआईटी खड़गपुर से आकर के छोड़ के, आखिर सोचिए कि आज इस देश के अंदर इतनी जागृति तो आई कि आईआईटी खड़गपुर का लड़का जो पास होकर के वहां से आया हो, वो करोड़ों की नौकरी कर सकता था, वो देश में जा सकता था। उसने सब कुछ करके छोड़ दी नौकरी, उसने कहा नहीं, जो राष्ट्र में मामलात हो रहे हैं वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमसे बड़ा इन्फ्लुएंस भी रहते हैं। उन्होंने कहा मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ूंगा कि भारत के मंदिरों पे जो चढ़ावा आता है उसका 80% सरकार कैसे ले जाती है, मंदिरों का रख रखाव मंदिर के हिंदू तय करेंगे, सरकार कैसे तय करेगी। अब आप सोचिए कि हम आज 2021 में इस पे लड़ाई लड़ रहे हैं, मुसलमान की मजार से पैसा नहीं ले सकते, गुरुद्वारे से पैसा नहीं ले सकते, चर्च से पैसा नहीं ले सकते, लेकिन हिंदुओं की आस्थाओं में कोई जाता है सोने का मुकुट चढ़ा देता है। अरे उससे पूछो ये सोने का मुकुट गणेश जी पहनेंगे कब? वो तो जो वहां बैठे हैं वो उसे बेच करके किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी की बसें चल रही हैं, किसी के 5-star होटल बने हुए। एक पुजारी को कितना पैसा चाहिए घर चलाने के लिए? अरबों खरबों का चढ़ावा आ रहा है, लेकिन वो चढ़ावा जा कहां रहा है? क्या समाज के गरीब लोगों के काम आ रहा है? क्या पीछे छूट गए लोगों के काम आ रहा है? या वो लोग जो आज हमारे से बहुत पीछे रह गए, क्या हम उनकी उनकी बच्चों की फीस दे रहे हैं? वो ब्राह्मण का लड़का हो, वो दलित का लड़का हो, वो ठाकुर का लड़का हो, किसी का बच्चा हो, अगर वो गरीब है तो क्या मंदिरों से अरबों खरबों का जो पैसा आता है क्या उसकी फीस वहां से नहीं जानी चाहिए? आपने समाज को मजबूत करने के लिए कौन सा आयाम बनाया है? हमने कोई आयाम नहीं बनाया, समाज कैसे मजबूत होगा? हम सरकार से कहते हैं नहीं, हमें स्कॉलरशिप चाहिए, हमें रिजर्वेशन चाहिए। ये नहीं होने वाला। इसलिए जब तक चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, चाहे कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, जब तक आपके रिश्तेदारों को बोलिए कि भारत के मंदिरों में जाएं, अगर बहुत आस्था का केंद्र है तो बूंदी के 2 लड्डू चढ़ा के आए, 1 रुपया भी न चढ़ाए। वो 1 रुपया जो उनको देने की इच्छा है वो जनरल जीडी बख्शी को दे दें, आरएसएन सिंह को दे दें, सुशील पंडित को दे दें, जो लोग चिल्ला रहे हैं उनको दे दें, तो कम से कम ये छलते पड़ते लोग जो हैं, जो देश को जगा रहे हैं, इनके परिवार में जो संकट है, इनके परिवार में जो अस्तित्व का संकट है, इनकी रोजमर्रा की लड़ाई है, वो मजबूत होगी। वो मजबूत होंगे तो शायद और ताकत से चिल्ला चिल्ला के बताएंगे। आप चलते फिरते मस्जिदों को, मंदिरों को मजबूत कीजिए। आप ये जो देवाले बने हुए हैं आप इनको मजबूत मत कीजिए, उतना चढ़ने के लिए बहुत आ जाता है, वो 2-4 पंडितों के खाने के लिए वाला तो चढ़ जाता है, उनके परिवार चलने के लिए हो जाता है, लेकिन उन्हें बिजनेस मत बनाइए। बड़े बड़े मुकुट आप लोग भेजते हैं, लाखों लाखों रुपया मंदिरों में डोनेशन देते हैं, क्या मंदिरों ने कभी हिंदू की रक्षा कर पाया मंदिर? जब जब संकट आया, चाहे आपके सोमनाथ का मंदिर हो, वो जब मंदिर में पुजारी उसको नहीं बचा पाए, सोना लूट के ले गया वहां से 7-8 बार। इसलिए कि आपने चलते फिरते जीवित मंदिरों को आपने मजबूत नहीं बनाया, आपने ईंट कारे वाले मस्जिद में करोड़ों रुपया लग रहा है। उस करोड़ों रुपए से मंदिर को बचाएगा कौन? भगवान राम का भी मंदिर बन रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, रोज चंदा इकट्ठा हो रहा है। मैं कह रहा हूं चंदा इकट्ठा करो, लेकिन भगवान राम का जो भव्य मंदिर बना रहे हो उसे बचाने वाले लोगों को तो ताकत दो। उसे बचाएगा कौन? उसे पुलिस नहीं बचाएगी, उसे सेना नहीं बचाएगी। अब्दाली से लेकर के, औरंगजेब से लेकर के, जितने भी आए थे, गजनबी से लेकर सब बहुत कम लोग थे, चंद लोग आए थे, हजारों लाखों हिंदू तब भी थे। सोमनाथ के मंदिर में पंडित जी जो है वो भगवान प्रकट हो, हर हर महादेव प्रकट हो, ये लगा रहे थे और भाग गए, और अरबों खरबों की प्रॉपर्टी लेके चला गया वो आपकी। वही गलती आप दोबारा कर रहे हैं, क्योंकि आपने समाज में अपने लोगों को मजबूत नहीं किया, जो कमजोर है उसे मजबूत नहीं किया, जो जल्दी 10 रुपए में बिक जाएगा, जिसका ईमान, जिसकी एक वक्त की रोटी मिलने से वो कन्वर्जन हो रहा है, हम उसको मजबूत नहीं करते, हम वहां पैसा नहीं देते, हम मंदिरों पे चढ़ावा करते हैं, करोड़ों करोड़ों अरबों का चढ़ावा होता है, लेकिन वो मंदिर कभी देश की रक्षा नहीं कर पाए। अगर मंदिरों की रक्षा होती तो 30,000 मंदिर और 3 बड़े धर्म स्थल नहीं टूटते। किसने बचाया? कौन आया?
लाखों मंदिरों की हालत आज भी ऐसी है कि हम नए मंदिर बनाने की हमें चिंता है, पुराने मंदिरों को ही अगर हम उसका रखरखाव कर लें तो वो साइंस, वो आर्किटेक्चर हजारों साल की सदियों को पता होगा कि हम क्या थे लोग, हमने क्या बनाया, वो नहीं हमने किया। हमारा तो एजेंडा, क्योंकि उसमें हमें लड़ना नहीं पड़ता, उसमें हमें तकलीफ नहीं उठानी पड़ती, तो हम हर वो आसान रास्ता ढूंढ लेते हैं कि भाई बस एक आसान सा रास्ता करो, भाई दे दो मंदिर कर लिया, अच्छा चंदा दे दो, खत्म होगी कहानी। आप चंदा ले गए, वो चंदा कहां है? चंदा तो हर बार इकट्ठा होता है इस देश के अंदर। मैं बार बार कहता हूं, जो चलते फिरते लोग हैं, जो लड़ रहे हैं, और वो आपके लिए नहीं लड़ रहे, वो राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए मेरा एक ही स्टेटमेंट है, एक ही जुमला है, एक ही नारा है, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, बोल सकते हैं तो बोलिए, चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर ये तीनों काम भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है कम से कम उसके साथ खड़े हो जाइए। मुझे, मैंने अपनी बात आपके सामने रख दी है। विजया त्रिपाठी जी, मनोहर जी, आपके मन में, आपके साथियों के मन में जैसा भी प्रश्न हो, जितने संदर्भ में बोला हूं उस संदर्भ में कोई प्रश्न हो, मैं प्रश्नों का जवाब दूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच फॉर सच डिलीवरिंग योर व्यूज विद सच फर्वर एंड कमिटमेंट। आई हैव ऑलवेज सीन दिस काइंड ऑफ एनर्जी इन यू, हमेशा ही देखता आया हूँ और आज भी यही देखा, कुछ बदला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं तो आपकी हर एक बात से सहमत हूँ, और आई वुड लाइक टू री एनफोर्स वन ऑफ योर व्यूज जो आज आपने प्रकट की, कि हम लोग मोस्टली ये सोचते हैं कि हमें क्या करना, हमें क्या लेना, कोई आपकी टोपी ले गया तो हमें क्या, कोई आपके शर्ट ले गया तो हमें क्या। जो आपने बताया बिल्कुल सही बताया आपने, और उसका जीता जागता एग्जाम्पल आज है। ये आपके इस प्रोग्राम के लिए मैंने दो दिन पहले जब ये बनाया था इसके लिए लिंक वगैरह, तो मैंने 1150 लोगों को ईमेल भेजी है। हमें, मेरी जो हमेशा की जो ये होती है मेलिंग लिस्ट, 1157 लोगों को भेजी। हमें खुशी है कि 60 लोग जुड़े इतने शॉर्ट नोटिस में, लेकिन दुख भी यह है कि 1157 में से सिर्फ 60 लोग जुड़े हैं, उसमें से कुछ लोग इंडिया से भी हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। पर यही जगाता है, यही कुछ 2 महीने पहले मैंने प्रोग्राम किया था जो कि एंटरटेनमेंट प्रोग्राम था, और इसी ग्रुप को ऐसे मैंने ईमेल भेजी थी तब, और $25 भी लिए थे उनसे क्योंकि फंड रेजर था, तो 185 से ज्यादा लोग जुड़े थे। जब आप, जब बात आती है कि हमने कुछ भारत के बारे में कहना है, सुनना है, सोचना है, तो सिर्फ 60 लोगों को आज मौका मिला संडे के दिन। ये आपकी बात को रीइन्फोर्स करता है कि जो हम लोगों की मानसिकता क्या है, और इस मानसिकता से हमें निकलना है। हर एक ने यही सोचना है कि एवरीथिंग काउंट्स, जो मैं कर सकता हूँ, जो भी करूँ, एवरीथिंग काउंट्स, और वी हैव टू टेक दिस व्यूज अहेड। हमारे साथ क्वेश्चंस हैं काफी, तो मैं आपसे पूछने से पहले खैर मकदम करूंगा श्री आरिफ अजाकिया का, वो भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, ग्रेट गाय, लंदन से जुड़े हैं हमारे साथ। आरिफ अजाकिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, एंड ढूंढता हूँ उन्हें स्क्रीन में, तो तब तक ऑल्सो आई वॉन्ट टू रिकॉग्नाइज डॉक्टर गिरिजा देश पांडे जी, जो हमारे साथ बॉम्बे से जुड़ी हैं, इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी क्लब मायमी पवई, बहुत काफी सारे काम कर रही हैं वहाँ हमारे साथ मिलकर। हम लोग, लेट मी सी इफ आई, आरिफ अजाकिया जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाई हाउ आर यू? आपकी माइक खोल लीजिए बेशक आरिफ जी, आप, आर यू अलाउड टू, लेट मी सी इफ आई कैन ओपन इट फॉर यू। एक सेकेंड, खैर आई विल ट्राई टू गेट बैक टू दैट, यू नो व्हेन यू आर डूइंग इन, आई एम ट्राइंग टू अनम्यूट यू, पार्टिसिपेंट सिक्योरिटी, हाँ अभी मैंने ऑथराइज कर दिया अनम्यूट करना आपको, तो प्लीज अनम्यूट कर लीजिए आरिफ जी। थैंक यू जी, नमस्कार एंड थैंक यू फॉर इनविटेशन
पुष्पेंद्रा जी से मैं इतना सीखता हूँ, जब मुझे पता चला कि पुष्पेंद्रा जी प्रोग्राम कर रहे हैं तो मैंने कहा कि मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा, क्योंकि उनके विचारों से मैं भी बहुत सीखता हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ इन सारी चीज़ों का। और जैसे कि आपने अभी कहा, ये बड़े दुख की बात है कि जब बात आती है देश की, जब बात आती है हमारे बचाव की, तो बहुत कम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन एटलीस्ट चलो कुछ लोग तो आगे बढ़ रहे हैं और मिलके ही इस देश को बचाना है। पुष्पेंद्रा जी से मुझे मौका मिला है तो मैं एक छोटा सा सवाल भी साथ कर प्लीज दूंगा, प्लीज प्लीज आरिफ भाई प्लीज। वो ये कि अभी आपने जिक्र किया कि भारत में माइनॉरिटी कमीशन है, मैं यूनाइटेड नेशंस के साथ 26-27 साल से मैं भी काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि माइनॉरिटीज, रिलीजियस माइनॉरिटी एग्जिस्ट वहां करती है जहाँ पे राष्ट्र धर्म हो कोई, सेक्युलर सोसाइटी में माइनॉरिटी का कोई वो नहीं, तो इसको आप लीगली कोई कानूनी इसको रोक नहीं लगा सकते, ये माइनॉरिटी कमीशन को अदालत के जरिए या कुछ, क्योंकि ये इलीगल है टोटली। एक सेक्युलर देश में माइनॉरिटी कमीशन का होना, जैसे यूके में कोई माइनॉरिटी कमीशन नहीं। अरे भाई इसमें दो बातें बिल्कुल वाजे हैं। एक तो वाजे यह है कि जो आपने कहा वो बिल्कुल सही कहा कि अगर स्टेट का कोई रिलीजन है तो वहां तो समझ में आता है, नंबर वन। लेकिन हम चलिए थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि भाई आपने 1976 में भारत को सेकुलर कर दिया, भारत के सेकुलर प्रीएम्बल में सेकुलरिज्म डाल दिया, हमने चलिए ये भी आपकी बात मान ली, जबकि वो गलत था, गलत तरीके से डाला गया। और लेकिन आज जिस सरकार ने 1976 में उसे सेकुलर बनाया, उसी सरकार ने 1993 के अंदर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बना दिया। एंड विदाउट द बेसिस ऑफ व्हाट इज द बेसिस, व्हाट इज द डेफिनेशन, हाउ यू आर गोइंग टू काउंट इट, हु इज माइनॉरिटी, हु इज नॉट द माइनॉरिटी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द 50,000 पारसीज आर माइनॉरिटी, 1.5% सिक्स आर माइनॉरिटी, 1% जैन आर माइनॉरिटी, 3% 3.5% क्रिश्चियन आर माइनॉरिटी, बट 22% मुस्लिम्स इज ऑल्सो माइनॉरिटी। तो देर इज नो, देर आई एम नॉट गेटिंग इट कि ये क्या क्या किस एजेंडे के तहत बनाया, लेकिन उसके बावजूद भी ये हो रहा है कि कैसे आपने जो है वो इसको इसको बना करके चला दिया है। अब सवाल यह है कि हमने सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया है, हमने जब उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो पता ये चला कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए साहब ऐसा है कि आपने ये चैलेंज तो किया है, लेकिन ऐसा है कि आप 8 राज्यों में है, 9 राज्यों में है, तो आपको स्टेट जाना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट भी इस तरीके के मामलों में अपोलॉजिस्टिक हो गई है, वो भी अपोलॉजिस्टिक हो गई है कि उनको लगता है कि किस तरीके से वो इस मामले को टाले। लेकिन हमारी पूरी टीम सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए लड़ रही है कि भारत के अंदर पहली बात तो सेकुलरिज्म स्टेट में ये नहीं होना चाहिए, अगर ये है तो यूएनओ की डेफिनेशन माने जहां वो कहते हैं 1.5% होगा, और अगर यूएनओ की नहीं मानते तो आप भारत की कोई नई डेफिनेशन बना दीजिए, लेकिन आप वो भी नहीं बना रहे। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है, हम लड़ रहे हैं। लेकिन मैं आरिफ भाई इस बात से परेशान हूं कि हम कितनी जगह लड़े, हम हर बात के लिए लड़े, हमारी एक पूरी, हमारे पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, लोग नहीं है, हम अपने कंट्रीब्यूशन से कर करके वकील खड़ा करते हैं, छोटे छोटे वकीलों को भी पैसे की जरूरत होती है, वो बेचारे अपने घरों से लगा के लड़ते हैं। लेकिन हम अभी 370 पे 70 साल लड़े, फिर 35A लड़े, अब फिर राम मंदिर के लिए 150 साल लड़े। तो इस देश में तो हजारों चीजें इस सत्ता ने, सरकारों ने ऐसी कर दी है कि अगर हम ये लड़ते रहेंगे तो हमारी तो 7 पुश्तें इसी काम में लग जाएंगी, तो फिर हम राष्ट्र बनाने का काम कब करेंगे भाई। तो सवाल यह है कि लड़ना तो हमें हर रात को पड़ रहा है ना। अब हमारी जिस तरीके की सिचुएशन में आज हम खड़े हैं, हम 2-4 चीजें अपने सामने होते हुए देख रहे हैं, लेकिन अब माइनॉरिटी कमीशन को लड़े, माइनॉरिटी कमीशन के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज है आरिफ भाई, जो माइनॉरिटी कमीशन से ज्यादा खतरनाक है, वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 1995 को 2013 में भारत की पार्लियामेंट ने ऐसा करा है कि मेरा दावा है कि उसको उसके सेक्शन 40 के तहत यह कर दिया गया है कि वो कल आकर के मेरे मकान पे कहे कि जेंटलमैन दिस प्रॉपर्टी बिलोंग टू वफ, उनके ये कहते ही उनको 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 भारत की संसद ने ताकत दी है कि वफ बोर्ड को यह ताकत है कि जैसे ही वो ये क्लेम कर दें कि ये जगह वफ बोर्ड की है तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इंस्ट्रक्शन देंगे। The word is instruction, the word is order, not request. They will order the district magistrate to vacate this place because they are saying it's belong to work board and I have to vacate. And if I want to claim it, I have to go back to the work board. और उनके सामने जो उनकी अदालत होगी वहां कहा जाएगा माई साहब ये मेरी जमीन है, मेरा घर है, मुझे दे दिए। नो, जिस जो आपका कत्ल कर रहा है वही आपका जज भी है, और फिर आप हाई कोर्ट जाइए, आपकी जिंदगी निकल जाएगी। ये भारत की संसद में महापाप किए गए हैं, राजनीतिक लोगों ने अपने स्वार्थ, अपने एजेंडे के लिए,
अपने मफाद के लिए। हम कितना लड़ेंगे अरे भाई, हम डे बाय डे एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं, बोलने की क्षमता कम होती जा रही है, हमारे अंदर कोई एनर्जी जितनी हमने बचपन से थी वो सारी दांव पे लगा दी है, हमको डे टू डे बेसिस पे लड़ना पड़ता है, अपनी सिक्योरिटी को लेकर के पूरी टीम के हमारे सारे लोग हैं सब डरे हुए रहते हैं, यहां कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। तो हम स्टेट से सब कुछ क्या करें, हम तो समाज से उम्मीद करते हैं भाई हमारी मदद करें, हमारी मदद करें, हमारी मदद करें। भाई जो संगठन है हिंदू वो बोलते नहीं है, पॉलिटिकल एजेंडे के कारण नहीं बोलते, लेकिन हम दूसरों से नहीं कहते, हम तो जो काम खुद कर सकते हैं वो कर रहे हैं। इसलिए आरिफ भाई एक ही मामला नहीं है, हम तो कई मामलों के ऊपर एक साथ लड़ रहे हैं, हमारे कोई ना कोई हमारा साथी कहीं ना कहीं लड़ रहा है। जय साईं दीपक मंदिरों का पैसा जो है वो जाता है और सरकार ले लेती है। अब महाराष्ट्र के अंदर आपने कानून बना दिया है कि मुसलमान लड़के को 1,00,000 रुपया अलग से मिलेगा और उसे फ्री में वर्दी मिलेगी, फ्री में उसको डाइट मिलेगी और वो अपनी बॉडी बनाएगा, ताकत देगा और उसके बाद फिर उसको पुलिस में भर्ती किया जाएगा। जिस एजेंडे के साथ आप हिंदू मुस्लिम के एंगल से अगर पुलिस में भर्ती करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर तो मालदा बनेगा, फिर तो यूनाइटेड बंगाल के अंदर जो हुआ वो होगा, फिर तो सोहरावर्दी नहीं पैदा होगा, फिर तो वो पुलिस वाला पैदा होगा जो मारेगा, फिर हरियाणा के अंदर फखरुद्दीन पैदा होगा। तो आप इस देश के सिस्टम के अंदर किन लोगों को मजबूत कर रहे हैं, इस बुनियाद पे कि मुसलमान फौज होनी चाहिए, हिंदू फौज होनी चाहिए, तो फिर गड़बड़ होगी ना, फिर तो पाकिस्तान बनने के बाद मुसलमान फौज पाकिस्तान चली जाएगी, और जो अंग्रेजों के अंदर उसने इतनी इतनी अच्छी ट्रेनिंग की वो वहां जाने के बाद इस्लामिक मुल्क की इस्लामिक बर्बर फौज हो जाएगी, फिर वो गर्दन काटेगी, फिर उसके लिए जनेवा कन्वेंशन नहीं होगा। तो हम किस तरीके की सिचुएशन में जा रहे हैं, हम कितना लड़े हैं, और इतना लंबा पाप होने के बाद एक सरकार है, सरकार बहुत ज्यादा हमारी कुछ मदद नहीं कर सकती। जो काम सरकार को करने चाहिए वो सरकार करे ना करे, लेकिन हम तो इन मुद्दों को उठा सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं, प्रेशर बना सकते हैं, लेकिन हमारी क्षमता हमारी सीमाएं बड़ी बड़ी लिमिटेड है, हम तो उसी में से कुछ भी कर रहे हैं। अरे भाई थैंक यू पुष्पेंद्र जी एंड थैंक्स आरिफ जी। Those who would like to know, आरिफ जी भी अपना एक YouTube पर ये चलाते हैं। आरिफ जी पहले कराची के मेयर रह चुके हैं बट हमेशा हिंदुस्तान के ही फेवर में इनकी बातें होती हैं, तो आप जरूर उन्हें भी हिंदुस्तान के फेवर में नहीं बोलते, ये आरिफ अजाकिया साहब हिंदुस्तान के फेवर में नहीं बोलते, आरिफ अजाकिया साहब भारत के नहीं है, भारत राष्ट्र के हैं, भारत की संस्कृति का हिस्सा हैं, इसलिए उनका नाम आरिफ अजाकिया है, तो वो भारत को नहीं, मैं कहता मैं भारत राष्ट्र और राज की बात कर रहा हूं, उन्होंने भारत देश की सपोर्ट नहीं करते, वो भारत की संस्कृति परंपराओं आस्थाओं की बात करते हैं। उनके लिए गजनबी द्वारा उस मंदिर को तोड़ना उतना ही दर्द पैदा करता है जितना मुझे करता है, इसलिए आरिफ भाई यूनिक लोग हैं, और आप सबसे कह रहा हूं कि उनके चैनल को आरिफ अजाकिया के नाम से है सब्सक्राइब करें। ये लोग जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने मुल्कों से भागे हुए लोग हैं, बाहर की दुनिया में रहकर के अपने आप को सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन इतनी मुसीबतों के बावजूद भी इतनी सच बोलने की हिम्मत कम लोगों में है, कम से कम हम उनका मॉरल हाई रखें, उनको कोई मदद अगर कल को जो भी जिस रूप में कर सकता है वो करे, मैं ये बात ओपनली कह रहा हूं। जी बिल्कुल सही कहा आपने सर। प्रश्न है श्री राम तिवारी जी से, वो पूछ रहे हैं शुड इंडियाज हिस्ट्री बी रिव्यूड एंड रिवाइज्ड, क्या समय आ गया है कि भारत की इतिहास को अभी बदला जाए जो कि जो सही इतिहास है वो बताया जाए। ये थॉट अच्छा है, ये ख्वाब अच्छा है, ये आइडिया अच्छा है, लेकिन बदलेगा कौन, कौन बदलेगा? प्रश्न का ये भी जवाब दीजिए कि इसे बदलना किसको है, मुझे और आप तो नहीं बदलेंगे, सरकारें बदलेंगी, सरकारों का जब एजेंडा होगा तब बदलेंगे। लेकिन मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि हम ऐसा प्रश्न पूछते हैं और उसके बाद हम ये कहते हैं बदलने का समय आ गया है। अरे मैं कह रहा हूं कि सब कुछ हमारी जिंदगी स्कूल से ही नहीं चलती है, सब कुछ जो कोर्स में हम पढ़ते हैं उसी से जिंदगी तय नहीं होती है, हम हजारों किताबें बगैर कोर्स के भी पढ़ते हैं। तो जो काम सुशील पंडित कर रहे हैं, आरिफ अजाकिया कर रहे हैं, आर एस सिंह साहब कर रहे हैं, वो किताबें पढ़ के इस देश का सही इतिहास बता रहे हैं। तो क्लास में नंबर लेने के लिए आपको झूठा मक्कारी भरा इतिहास पढ़ना पड़ रहा है, गुलामों का इतिहास पढ़ना पड़ रहा है, मजबूरी है क्योंकि वो सरकार ने प्रेस्क्राइब किया है आपको नंबर, जब आप इसी में मिलेंगे जब आप ये लिखेंगे कि शिवाजी एक पहाड़ी चूहा था,
आप अगर उसे लिखेंगे शिवाजी बहादुर था तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि किताब में यही पढ़ाया जा रहा है। लेकिन किताब से बाहर की दुनिया में कम से कम हम इस सच को रोज चिल्लाएं, रोज बताएं, हम अपनी ड्यूटी करें। हो सकता है आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों, 10 साल बाद सरकारें इस दबाव में आएंगी कि सच बताएं। इसलिए इस मुहिम को जो सरकार से बाहर है, जो क्लास से बाहर है, उसे हम ज्यादा से ज्यादा तादाद में फैलाएं, तब बदलेगा। यह कहने से कि बदलने का समय आ गया है, तो समय तो बहुत पहले से आ गया था। आज ही क्यों लगता है आपको बहुत पहले आ गया था? लेकिन हमने कोशिश की थी क्या? समय सरकारों पे ऐसा दबाव बनाया था क्या? सरकारें ऐसी चुनी थी जो हमारे इतिहास को सही बनाए, हमारे राष्ट्र को मजबूत करे? हमने नहीं चुनी थी। आज चुनी है तो कई सौ सालों के बाद आपको मौका मिला है। धीरे धीरे बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन एक जागृत समाज, एक जागरूक समाज, एक एक्टिव समाज, एक सम्मानित समाज अपनी अंदर होने वाली कौतूहल को इतना बताता है, इतना दर्शाता है कि सत्ताएं आपकी बात सुनती हैं। 90 करोड़ ये लोग तय कर लें, हमारा एक एक वोट उसी को मिलेगा जो एक दिन में इस देश राष्ट्र के ऊपर जो अन्याय हुआ है, जो अनाचार हुआ है, जो अत्याचार हुआ है, जो इसकी आस्थाओं को चोट, उन लोगों को समाप्त करें, बुलडोजर चलवा दें उन चीजों के ऊपर। ये जितने भी अकबर के और फरफ के किले बने हुए हैं, जो उनकी मजारें बनी हुई हैं, इन सबको हटाए, दिल्ली की 57 सड़कों को एक ही दिन में तोड़ दे। ये कोर्ट करेगा, फिर प्रयागराज बनाया जाएगा, फिर वो एक का नाम बदला जाएगा, सदियां निकल जाएंगी। इतिहास में नाम उन्हीं का लिखा जाता है जो जीता हुआ होता है। वो नाजायज तरीके से जीता, धोखा देके जीता, गलत तरीके से जीता, ये कोई नहीं लिखता है। जीते हुए का इतिहास लिखता है। और हारे हुए लोग बहुत मानवीय हो, बहुत उनके वैल्यू हो, बड़े हाई उनके सिस्टम हो, उसकी कोई वो नहीं कहता है। इसलिए इतिहास को बदलना है तो जैसे उन्होंने आपका इतिहास बदला है, उसी तरीके से आप अपना इतिहास बदल दीजिए। सरकारें और कोर्ट में जा जा करके आपका इतिहास नहीं बदला जाएगा। क्यों नहीं दिल्ली की सड़कों पे 2 करोड़ लोग निकलते और एक ही रात के अंदर 57 सड़कों को तोड़ देते? कहते नहीं साहब, ये नहीं होगा, अब हमने तोड़ दी, खत्म हो गए। ये डर नहीं पैदा करते। क्यों 90 दिन तक शाहीन बाग पर रोकने वाले लोग जो है डर पैदा कर देते हैं सरकार में और भारत की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि वो ठोड़ों में हाथ डालती है कि कृपा करके आप उठ जाइए? क्यों हम गोली नहीं चलाते? क्यों हम पोछा नहीं डालते? क्यों? उनको मालूम है कि भारत की सरकारों को डराने का यही तरीका है। जब इस देश के कुछ लोग डरा सकते हैं, तो क्या इस देश का बहुसंख्यक समाज राष्ट्र के लिए, अपने निजी स्वार्थों के लिए नहीं, क्या सरकारों को नहीं दबा सकता? अगर 5 लाख लोग बुराड़ी बॉर्डर पर बैठ करके भारत की असीमता को, भारत के सम्मान को, भारत के प्रतीक को, भारत की आस्था को, तिरंगे को उतार करके उस झंडे की जगह कोई दूसरा झंडा लगाते हैं, और भारत की पुलिस जो स्टेट को दिखाना चाहती है, जो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, जो भारत की प्रभुसत्ता को संपन्न का रिप्रेजेंट करती है, अगर उसको कोई चैलेंज कर रहा है और कुछ उठाई गिरे गुंडे, कुछ कनाडा से ड्राइव, कुछ अमेरिका से टुकड़ों पे बिके हुए लोग, कुछ न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से बिके हुए लोग, अगर भारत राष्ट्र को चुनौती देते हैं, तो उनको गोली मारने का अधिकार भारत की सरकार को देना चाहिए। वो कोई हो, किसी को भी इस बात की जरूरत और किस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों से, जो हमारे लिए एक आस्था का बिंदु है, ये तिरंगा कोई कपड़ा नहीं है जिसको कोई भी आदमी घुमा के चला जाए, कोई भी उतार के फेंक जाए। और जो लाल किला है, जहां से भारत का प्रधानमंत्री प्राचीर से जब 15 अगस्त को बोलता है तो देश पूरी दुनिया सुनती है, अगर उसकी प्राचीर को जिसने चोट पहुंचाई है, उनकी नस्लों को समाप्त कर देना चाहिए। इतिहास इस बात का गवाह नहीं होगा कि हमारा राजा जो था बहुत सहनशील था, हमारे राजा ने सबकी बात सुनी? नहीं, ये सीन, ये मंजर, ये तस्वीरें, ये दृश्य, ये पिक्चर हजारों साल तक आने वाली जनरेशन को डराएगा कि कुछ गुंडों ने लाल किले के ऊपर जो उपद्रव किया और भारत की पुलिस हाथ जोड़ जोड़ करके उनसे माफी मांग करके कोई खाई में कूद रही थी, कोई तलवार से काट रहा था। नहीं नहीं, मैं नहीं मानने को तैयार हूं। ये कहें कि नहीं वो भी हमारे देश के लोग हैं, नहीं, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। ये कतई माफ नहीं है, ये किसी भी माफी के लायक ये कृत्य नहीं है। इसमें कोई भी हो, उसकी जात क्या है, उसका मजहब क्या है, उसका पंथ क्या है, इसका कोई लेना देना नहीं। स्टेट को स्टेट की तरह बिहेव करना चाहिए। स्टेट एक लाचार स्टेट नहीं दिखनी चाहिए। हमने वोट इसलिए नहीं दिया है कि हमारी आस्थाओं को कोई भी आदमी आके रौंद कर चला जाए, ये नहीं हो सकता, कोई हो वो। इसलिए सिर्फ इतिहास बदलने से नहीं होगा, अपने आप को पहले सनातनी लोग बदले तो इतिहास अपने आप बदल जाएगा। बिल्कुल सही। हमारे साथ जुड़े हैं वरुण कपूर कैलिफोर्निया से। वरुण कपूर अपना वरुण कपूर शो चलाते हैं वहां, और वहाँ के यूथ के साथ बहुत ही एक्टिव है, इंडियन कम्युनिटी यूथ के साथ। उनका भी प्रश्न है जी कि, अच्छा खैर, ये राम तिवारी जी का प्रश्न फिर से आया, सॉरी,
उनका एक प्रश्न हमने पूछ लिया, ये पूछ रहे हैं शुड हिंदूज रिमेन डिवाइडेड, हाउ कैन हिंदूज बी यूनाइटेड, और वरुण कपूर जी का क्वेश्चन है हिंदूज हैव ऑलवेज बीन टॉलरेंट एटलीस्ट दिस इज हाउ वी हैव बीन ब्रॉट अप, हाउ कैन वी चेंज दिस माइंडसेट। बट मैंने अभी तो आपको कहा कि ये आपको किसने बताया कि आप टॉलरेंट थे, आपके आस्था का केंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम राक्षसों के प्रति टॉलरेंट थे। भगवान राम ने जब विनती की समुद्र से कि समुद्र बनाने का रास्ता दे दो तो उसने नहीं दिया। भगवान राम ने जब तीर कमान कसा तो वो वापस आ गया और उसने कहा प्रभु आप रास्ता बनाइए। क्या हमारे भगवान कृष्ण जी पूतना और नागिया कालिया नाग के खिलाफ टॉलरेंट थे? ये बीमारी हमको बताई गई है कि हम टॉलरेंट थे, हम बहुत टॉलरेंट थे, हम बहुत टॉलरेंट थे। भाई कहां पढ़ा आपने? अगर टॉलरेंट होते तो कृष्ण जी बांसुरी बजाते बजाते सुदर्शन चक्र न चलाने लगते और महाभारत ना होता। उसी गीता को लेकर उन्होंने महाभारत किया, लेकिन भारत के एक पाखंडी नेता ने जिसको दुनिया का बहुत महान आदमी बताया गया वो गीता को लेकर अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे थे, जो अपने निजी जीवन में अहिंसक थे। हमने कहां से ये बीमारियां हमारे अंदर अनकॉन्शियस माइंड में डाल दी गई हैं कि हिंदू बहुत टॉलरेंट है, हिंदू बहुत टॉलरेंट है। तो टॉलरेंट का मतलब यह है कि पुलिस को डकैत बदमाश और बलात्कारी के प्रति टॉलरेंट हो जाए। क्या डॉक्टर मरीज के प्रति टॉलरेंट हो जाए तो उसको दवाई ना दे? क्या एक मां अपने बच्चे की हत्या करने वाले आदमी के प्रति टॉलरेंट हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या आपके घर पे कोई हमला करेगा उसके प्रति आप टॉलरेंट होंगे? नहीं। हमने स्वार्थों के हिसाब से अपनी टॉलरेंस की सीमा तय कर ली है, क्योंकि हम राष्ट्र के लिए नहीं लड़ना चाहते। आपके घर में चार बदमाश घुस जाएंगे तो आप लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? आप बंदूक चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? तो कहां आपकी टॉलरेंस है? लेकिन क्योंकि एक सामूहिक तौर पर आपके नेता, इसलिए मैंने कहा कि भारत राष्ट्र की समस्या यह है कि नेता तय करते हैं कि भारत के समाज को क्या करना चाहिए। जो हमें टॉलरेंट की पाठ पढ़ाते हैं वो किसी मुसलमान से नहीं कहते, गांधी जी ने नहीं कहा। जब रशीद ने श्रद्धानंद का हत्या कर दी तो उन्होंने ये नहीं कहा कि रशीद तुमने इनके साथ हिंसा क्यों की, बल्कि वो बोले कि नहीं श्रद्धानंद की गलती थी इसलिए उसका कृत जस्टिफाई था। लेकिन वही समाज नाथूराम गौडसे ने जब गांधी जी की हत्या की तो नाथूराम गौडसे को जिम्मेदार ठहराता है। तब भी लोगों को कहना चाहिए था कि श्रद्धानंद की गलती की वजह से राशिद साहब ने मार दिया उनको, क्योंकि वो राशिद की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। तो गांधी जी ने भी नाथूराम गौडसे की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, उसने मार दिया, तो फिर दो स्केल एक ही जगह कैसे हो सकते हैं? एक तरफ मारने वाले के साथ खड़े थे, एक तरफ मारने वाले को कहा जा रहा है वो हत्यारा है। ये पाखंड है कि नहीं है? कौन टॉलरेंट है भाई? टॉलरेंट का मतलब कतई नहीं होता कि आप अपने घर से खिलवाड़ करें। टॉलरेंट है तो आप अपने घर में सबको जगह दे दें। ये टॉलरेंस आपको कहां ले जा रही है, जिस देश के अंदर चार चार पांच पांच करोड़ रोहिंग्या मुसलमान घुसे बैठे हुए हैं, बांग्लादेशी मुसलमान घुसे बैठे हुए हैं, उनका इस देश के प्रति क्या है? उनका है लूटो पाटो मारो खाओ पियो, उनको क्या लेना देना है? उनको इस देश की आस्थाओं से क्या मतलब है? उनके पास खोने के लिए क्या है? भारत का हिंदू कभी टॉलरेंट नहीं था। टॉलरेंट और सहनशील और साहस और सामर्थ्य में फर्क है। दुनिया में जो ताकतवर होते हैं वही टॉलरेंट होते हैं, कमजोर आदमी टॉलरेंट नहीं होता। अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, वो टॉलरेंट नहीं था। 9/11 हुआ उसने खुद ही तय करा कि किसने किया है। वो यूएनओ नहीं गया, वो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का इंतजार नहीं किया, उसको लगता था कि इन्होंने किया है, उसने उस देश को पूरे को बर्बाद कर दिया। हमें पता चला कि 26/11 किसने किया है, हमने उसे दामाद की तरह 3 साल तक बड़ा बढ़िया बिरयानी खिलाई और दुनिया को साबित किया कि देखिए साहब इसने किया है, अब हम इसे कानून के हिसाब से फांसी देंगे। तो हमने 3 साल तक जिंदा रखा। उन्होंने जिन्होंने 9/11 करके अमेरिका की जो शान थी उसको जब धूल में मिटा दिया तो अमेरिका ने पूछा नहीं। वो टॉलरेंट होने का जो पाठ पढ़ा रहे हैं दुनिया में ओबामा साहब, उन्होंने पूरी देश एक देश को बर्बाद कर दिया क्योंकि उनके मुल्क पे हमला कर दिया और उन्हें लगता था कि फलाने ने किया है, लेकिन दुनिया को टॉलरेंट बनाएंगे। तो ये सब झूठी बातें हैं, ये नहीं हो सकता। कोई टॉलरेंट नहीं है हिंदू, वो एक सब समाज का आदमी है, सनातन का मानने वाला है। वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबको गर्दन काटे, लेकिन उसकी कोई गर्दन काटने आए वो क्या हम तो टॉलरेंट है इसलिए गर्दन कटवा लेंगे, ये मुमकिन है? हमारी हजारों साल की परंपरा है कि हमने किसी पे हमला नहीं किया, हम कहीं लूटने नहीं गए,
यहां जितने आए थे सब लुटेरे थे, यहां से जागीर लेके गए। ये ताजमहल वाजमहल सब हमने बनाया है, हमारे लोगों ने बनाया है। और ताजमहल बनाने वालों के हाथ काटने के बाद कहते हैं कि देखिए शाहजहां कितना प्यार करता था अपनी बीवी से, अपनी बीवी के प्यार के चक्कर में जो तुमने मकबरा बनाया उसमें बनाने वालों के हाथ काट दिए। भगवान राम अपनी पत्नी को छुड़ाने गए, जो समुद्र में उन्होंने राम सेतु पुल बनाया, बनाने वालों के हाथ नहीं काटे, जिन्होंने बनाया उसको अपने साथ अयोध्या लाए और उनके साथ में फिर दिवाली मनाई। दो सभ्यताओं और दो सोच का फर्क है। इसलिए भगवान राम ने राक्षसों का नाश किया, उनके प्रति इंटॉलरेंस दिखाई और फिर वापस आ गए। लूट के वहां से एक दो पैसे का सोना लेके नहीं आए। आप अपने इतिहास को गलत तरीके से पढ़ रहे हैं, गलत तरीके से बताया जा रहा है। इसलिए हमारे पॉलिटिकल आइकॉन बन गए हैं वो लोग, इसलिए सुभाष चंद्र बोस को हम नहीं पढ़ना चाहते, हम स्वामी जी को नहीं पढ़ना चाहते, हम सावरकर को नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि हमारे राजनीतिक लोगों ने हमारे जहनों के अंदर अपने निजी स्वार्थों के लिए ऐसे ऐसे नैरेटिव भर दिए हैं कि हमारा पूरा समाज उससे ग्रस्त है। राजनीतिक लोग कभी भी नारा लगाते हैं तो अपने स्वार्थ के लिए लगाते हैं। इसलिए राष्ट्र में जो लोग हैं, जो राष्ट्र की चिंता करते हैं, जो राजनीति से दूर रहते हैं, उनके नारों पर ध्यान दें, उनके नैरेटिव पर ध्यान दें। जिस दिन ये राष्ट्र उन नैरेटिव पे ध्यान देने लगेगा, आपकी खोई हुई जो आपका पुरुषार्थ है वो जाग जाएगा। और आप किसी पे अत्याचार नहीं करेंगे, लेकिन किसी का अत्याचार बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। ये जो बर्दाश्त करने की आपने एक परंपरा डाल दी है गांधी जी ने, एक चांटा मारोगे तो दूसरा चांटा डाल के आगे कर दें। गांधी जी आप तो अपनी पत्नी के प्रति टॉलरेंट नहीं थे, आपने तो 1947 में हरिजन अखबार में लिखा है कि अगर मुसलमान तुम्हारी गर्दन काट दे तो तुम्हें खुशी खुशी कटवा लेनी चाहिए, अगर वो तुम्हें समाप्त करना चाहते हैं तो हमें सहनशीलता का परिचय देना चाहिए। ये उन्होंने हरिजन में लिखा है 1947 के अंदर। हमने कैसे कैसे लोगों को आइकॉन बनाया है यार, ये कौन लोग थे, ये कहां से आए थे जिन्होंने भारत के पूरे पुरुषार्थ को जगाते को मार के रख दिया है, कायर बना दिया है। हम भगवान राम की औलादे हैं, हम गांधी की औलादे नहीं है, हम दुर्गा की बेटियां हैं। हमने किस किस कहां कहां से चले थे, कहां आ गए हैं। हम परशुराम के लोग हैं भाई, जो फरसा भी रखते थे। कौन भगवान है जो हथियार हाथ में नहीं रखता था, और जो हथियार हाथ में रखता था वो टॉलरेंट का मतलब है कि इस हथियार से जो हमला करेगा वो मारा जाएगा, हम किसी पे हमला करने नहीं जाएंगे। जी सर जी, प्रसाद वानपाल जी जो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया से अटलांटा से अपना अभिनंदन भेज रहे हैं, उन्होंने जुड़ना था हमारे साथ लेकिन कोरोना से ग्रस्त पाए गए हैं, पॉजिटिव उनको पाया गया है, तो अभी थोड़ा उस सिचुएशन में है कि जो ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। गेट वेल सून। तो अगला प्रश्न है सुरेश चंद्र गुप्ता जी से, वो पूछ रहे हैं आर वी हिंदूज पैशनेट अबाउट एनी वन इशू वेयर वी कैन यूनाइट एंड फाइट अगेंस्ट। Also, राम तिवारी जी ने एक बार फिर पूछा है कि should there be a common civil code? Maybe आप you know, combine कर सकते हैं हम कुछ questions को। देखिए, ये common civil code तो उसी वक्त आ जाना चाहिए था जब हिंदू कोड बिल आया था, लेकिन मैंने कहा कि आपका संविधान, आपके देश की आजादी, आपके देश का सिस्टम पहले दिन से मुसलमान नाम की बीमारी से ग्रस्त था। मुसलमानों के प्रति एक अपोलॉजिस्टिक एटीट्यूड था आपका, जिसके बीमारी के कारण जो समस्याएं आज से 70 साल पहले ठीक हो जानी चाहिए थी वो 70 साल के बाद ठीक नहीं हो रही। अब जो लोग हैं वो इस देश में उनकी ताकत इतनी मजबूत हो गई है कि वो संसद को नहीं मानते, वो संविधान को नहीं मानते, वो उच्चतम न्यायालय को नहीं मानते। तो अब यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आइया, लेकिन वो आएगा तो इस देश में कई शाहीन बाग बनेंगे, आग लगेगी, बसें ट्रेनें जलाई जाएंगी और हमारे और आपके टैक्स से फिर उन बसों को और ट्रेनों को फिर चलाया जाएगा। तो हिंदू का काम है टैक्स भरो और इस देश में मुसलमानों जिहादियों का काम है बसों में आग लगाओ, शाहीन बाग बनाओ, आप बंगलोर में आग लगा दो, आप रामपुर में आग लगा दो, आप मालदा में आग लगा दो, तो यही काम होगा। तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे तो कुछ चीजें होती है कि जब बीमारी होती है उस वक्त देना चाहिए। अब तो ये बीमारी इतना इलाज हो गई, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके भी आ जाएंगे तो इस देश में मानेगा कौन? और क्या इस देश में कानून ऐसा है कि इंप्लीमेंट हो पाता है? हमारों हजारों चीजें इस देश में कानून के तहत चलती हैं, तब भी तो इस देश में रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है। क्या भारत की संसद, क्या भारत की पार्लियामेंट, क्या भारत की जुडिशरी, क्या भारत की पुलिस एक गैर कानूनी तरीके से नंबर 90 दिन तक भारत की एक नेशनल हाईवे को लोगों ने कब्जा कर लिया, हम उसे हटा पाए?
अरे पाकिस्तान के पास से हमला होगा, चीन के पास से हमला होगा, आपके पास राफेल है, लेकिन इस देश के अंदर जो करोड़ों पाकिस्तान है और करोड़ों चीन है, उनका जो गठजोड़ है उसे किससे मारेंगे? वो राफेल से मरेगा। उसको मारने के लिए समाज को बाहर निकलना होगा। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आइए या आप जनसंख्या नियंत्रण ये ले आइए, इसका कोई इलाज नहीं है, लार्जर बीमारी का इलाज नहीं हो रहा, क्योंकि समाज नहीं लड़ना चाहता। आपके घर घर पहुंच गया है। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से मुसलमान कल से शुरू हो जाएंगे कि साहब हम मानेंगे? कितने लोगों को जेलों में बंद करेंगे? कहां है जेलें आपके पास? आपका क्रिमिनल सिस्टम करप्ट है, आपकी पुलिस में जो लोग हैं और सिस्टम में जो लोग हैं वो करप्ट है। क्या करेंगे आप? अगर ये करप्ट नहीं होते तो आप सोचिए कि म्यांमार से चल के भारत का बॉर्डर क्रॉस करके एक मुसलमान वहां से चलता है, पठानकोट से होते हुए जम्मू कश्मीर में पहुंच जाता है जहां 370 लगी हुई है, वो कैसे पहुंच जाता है? कहीं ना कहीं व्यवस्था में करप्ट लोग बैठे हुए कि नहीं बैठे हुए? क्रिमिनल सिस्टम में किसको जस्टिस मिल रहा है? एक रेप हो गया, पूरा हंगामा हो गया पूरे देश में, लोग सड़क पर निकल गए, लेकिन रोज रेप हो रहे हैं उसके बारे में कोई नहीं पूछ रहा है। रोज मर्डर हो रहे हैं उसके बारे में कोई नहीं पूछ रहा है। एक मर्डर हो गया तो दिल्ली के अंदर हंगामा हो गया, तो साहब हाथरस का हो गया क्योंकि पॉलिटिकल एजेंडा था। निर्भय का दिल्ली में हो गया तो बहुत मीडिया, लेकिन बाकी इस देश में जो रोज हजारों रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, मजहब के नाम पे हो रहे हैं, उनके बारे में कौन बात करेगा? क्योंकि वो चर्चा के इशू नहीं है, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं मिलने वाला, उससे टेलीविजन को टीआरपी नहीं मिलती। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत पहले आना चाहिए था, वो अभी भी आ जाए तो कोई देरी नहीं हुई है, लेकिन ये सब चीजें समस्या का समाधान नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय राष्ट्र के मानने वाले समाज के लोग राज से हर चीज क्यों कराना चाहते हैं मेरे भाई? खुद भी कुछ करो, खुद भी कुछ करो, संगठित हो, किसी के अन्याय को मत सहो और अपने को मजबूत करो। अपनी बहन बेटी का सम्मान बचाओ, उसकी इज्जत बचाओ। रास्ते बदलने से समस्या सॉल्व नहीं होगी। बेटी जिस रास्ते पे जाती है वहां अगर कुछ बदमाश उसे छेड़ते हैं तो भाई का फर्ज है जाए और उन बदमाशों से लड़े, उस बेटी से ये ना कहे कि तुम इधर की जगह उधर चले जाओ। इसलिए आज के दौर में अपने पति भाई और पिता को बाहुबली बनना होगा। जो आपकी पत्नी और बहन के ऊपर हाथ उठाए उसके हाथ की उंगलियां नहीं, उसकी गर्दन काट देनी चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे तो आप कहेंगे नहीं हम तो बड़े ऐसे हैं, तो माफ कीजिएगा, आप धीरे धीरे हर दिन आपकी सभ्यता और आपकी आस्थाएं समाप्त हो रही हैं। मुंबई में एक पुलिस का थाना है, उसमें कोई फ्रॉड नाम का एक बहुत बड़ा बताया जा रहा है, बाबा मखदूम नाम का कोई बहुत बड़ा सूफी था बताया जा रहा है, और पुर्तगाल के जमाने से था। बाप रे बाप, कमाल कमाल के है। वो पूरा थाना भारत की जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो पुलिस है, उस पुलिस की पूरी एक कुमुक, एक कंपनी, उस बाबा मर्दूद नाम का कोई फ्रॉड है जो वहां है, उसको सलामी देती है, सरकारी तौर से सलामी देती है। उस बाबा मखदूम की कोई मजार बनी हुई है और वो मजार थाने के अंदर है। दिन भर वहां घूमते रहते हैं पुलिस वाले, डरते रहते हैं। और कौन टोपी वाले छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का पूछते थे, वो गाली देते हैं छोटी छोटी बात के ऊपर पुलिस वालों को। पुलिस वालों की हिम्मत नहीं है। और क्या मूर्ता की बात की गई है कि जो केस सॉल्व नहीं होता वो बाबा मखदूम के जाकर के दुआ मांगी जाती है। यानी हमने पहले ही जो फोर्स है, जो भारत की कैपिटल आर्थिक जो राजधानी है, उसकी फोर्स का यह हाल है कि वो बाबा मखदूम नाम का फ्रॉड कोई मजार बनी हुई है, वो बताएगा कि इस मसले का हल यह है। करोड़ों के लोग आते हैं उस पे, वो थाने कम लगते हैं। तो ये तो मानसिकता है हमारे देश की, लेकिन ये सेकुलरिज्म है। रेलवे स्टेशन नई दिल्ली पे 2 नंबर के ऊपर मस्जिद बना दी गई है और मस्जिद के कारण टेढ़ी जा रही है रेल, लेकिन ये सेकुलरिज्म है। इसलिए इस देश में ये चलेगा। आप किस किस जगह जाके लड़ेंगे? इसलिए क्योंकि राष्ट्र वालों को है, अरे ट्रेन में बैठो जाओ यार, हमें क्या मतलब है? कितने राष्ट्रवादी लोग ये कहेंगे कि ये नहीं होगा भाई, ये देश सेकुलर है, स्टेशन पे कैसे आपने मस्जिद बना रखी है? स्टेशन पे कैसे 50 लोग नमाज पढ़ सकते हैं भाई? आप रास्ता रोक के नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ने में घर जाइए। ये कोई इस्लामिक स्टेट थोड़ी नहीं भाई। लेकिन ये हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि हमें तो लगता है हमें क्यों बोले, सरकार करेगी, अमित शाह करेगा, मोदी करेगा, वो कर दे तो ठीक है, नहीं हम तो सिर्फ ज्ञान दे के बता देंगे। ये नहीं चलेगा। आप कानून बनवाते रहिए, मैं कानून में कभी यकीन नहीं रखता। कानून स्टेट के लिए होते हैं और कानून उन्हीं लोगों के लिए होते हैं जो उनका पालन करें। जब देश में भीड़ तंत्र चल रहा है तो फिर कौन से कानून आपके माने जा रहे हैं मेरे भाई? जो साधारण कानून है उसे तो कोई मान नहीं रहा, खुलेआम गुंडा कर दिए भाई, हम ऐसे ही करेंगे, जाओ क्या करोगे? तो फिर नहीं हो सकता। इसलिए आपका
आपका ये ख्याल अच्छा है, लेकिन कानून अगर होते तो फिर इस देश में रेप ना होता, मर्डर ना होता, चोरी ना होती, सत्ता का डर ही नहीं है। इसलिए आपने देखा नहीं कानून, कानून तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रैक्टर रैली निकलेगी, कैसे निकलनी चाहिए, कहां है कानून, कौन से कानून ने रोक लिया, धाराओं ने रोक लिया क्या? आपके मान सम्मान को चोट पहुंचा दी कुछ लुटेरों ने, गुंडों ने, बदमाशों ने, आप क्या करते रहे पूरे देश के अंदर? वो आज का जो बच्चा उन तस्वीरों को देखेगा उसको जवानी तक याद रहेंगी। तो कानून वानून जो है एक आदर्श, एक सभ्य समाज, सिविलाइज सोसाइटी के लिए होते हैं जो उनको जानते हैं। हमारे यहां 50 करोड़ लोग ऐसे रहते हैं जो किसी कानून को नहीं मानना चाहते, हजारों नेता ऐसे हैं जो उन कानून को न मानने की ट्रेनिंग देते हैं, उन न कानून को मानने के लिए भड़काते हैं भीड़ को। आप किसकी बात कर रहे हैं? पुलिस हाथ जोड़ रही है, खाइयों में कूद रही है, दंगाई मार रहे हैं, आईबी के ऑफिसर के 55 आप चाकू मार रहे हैं, वो किसको डरा रहे हैं? वो डरा रहे हैं कि अगर हमारी नाजायज हरकतों की तरफ तुमने ध्यान दिया तो हम अंकित शर्मा की तरह 50 चाकू मारेंगे, हमारी डिमांड नहीं मानी तो हम लाल किले में उनका झंडा भी उतार देंगे, दिल्ली पुलिस हाथ जोड़ जोड़ के भागेगी जान बचाने के लिए। आपको पता नहीं है कि 26 जनवरी में जो हुआ है उसमें कुछ जामिया के लड़कों ने किस तरीके का कमेंट किया है? फेसबुक पर यह कमेंट चल रहा है कि जब जामिया में ये पुलिस मार रही थी तो जामिया में कितनी चीखें हमारे नादान मुसलमानों की थी, आज हमें बड़ी खुशी है कि दिल्ली पुलिस, ये जालिम पुलिस को मारा गया और ये हाथ जोड़ के भीख मांग रही थी, इस देश का मुसलमान बहुत खुश है। जब सोच ऐसी होगी माय डियर सर, तो आप कानून कुछ भी बना लीजिए, ये पूरा जहन ही यही है। इसलिए ये बात सलमान खुर्शीद भी 84 में किताब में लिख रहे थे कि जब दिल्ली की सड़कों पे हिंदू मुसलमानों हिंदू मार रहे थे सिखों को, तब मुसलमान बहुत खुश हो रहा था। ये उन्होंने अपनी किताब में लिखी है, इंडिया एट होम द रीस्टेटमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम, पेज नंबर 144 पे लिखा है। सलमान खुर्शीद उस पढ़े लिखे परिवार से है जिसके नाना इस देश के राष्ट्रपति थे, पिता गवर्नर थे, खुद ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए थे उनके परिवार में। अब पढ़ा हुआ लिखा मुसलमान की ये सोच होगी तो सब्जी बेचने वाले की क्या होगी? आप समझिए किस जगह रह रहे हैं सर। थैंक यू। अगला प्रश्न है मिस्टर मिंटू कनुजा जी से, वो पूछ रहे हैं वाज मेकिंग ऑफ पाकिस्तान अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। समझा नहीं मैं। उनका पूछना है कि पाकिस्तान जो बनाया गया वाज दैट अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, प्रोबेबली ये मैं अपने शब्दों में कह रहा हूँ कि प्रोबेबली कि भाई काफी मुस्लिम वहां चले गए तो क्या हमें कौन सी राहत मिल गई उससे, भारत को कोई राहत मिली उस बात से, ये उनका प्रश्न है। तो सवाल का जवाब वही दे सकते हैं अगर ये लोगों को, अगर हमारी बीमारी का इलाज ढूंढने का ये तरीका है कि 47 में हमने मुसलमान कहा भैया तुम चले जाओ, तो भाई जब चले गए थे तो फिर भारत में कानून बनाते ना कि ये जो मुसलमान की जो ब्रीडिंग हुई है इस देश में गली गली, जो लाखों यहां मदरसे बने, फिर ना बनने देते, फिर उस दिन तय कर लेते कि ये देश कैसे चलेगा। आपने तो 70 साल में 500 से ज्यादा पाकिस्तान भारत में बना दिए हैं, गली गली पाकिस्तान बने हुए हैं, लाखों मदरसे हैं जिसमें भारत के तोड़ने और भारत के खिलाफ जिहाद करने की बात सिखाई जाती है, सरकारें अपने वोट बैंक के लिए उसे फंड करती हैं। ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां प्रॉफिट मोहम्मद के दिन का जन्मदिन की छुट्टी होती है, सेकुलर स्टेट है, उनके जन्मदिन की छुट्टी होती है, और वो भी एक देश के पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर ने अपने स्वार्थों के लिए ऐसा किया, इसलिए उन्होंने किया। तो ये तो कमाल का देश है। जी सर। हाँ जी, जया पूछ रहे हैं कि शुड फंड्स फ्रॉम टेंपल्स बी स्पेंट ऑन प्रोग्रेस ऑफ हिंदूज, कन्वर्जन्स हैपन ड्यू टू पुअर हिंदूज बीइंग सपोर्टेड बाय इस्लाम और क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियन मिशनरीज व्हेन दे आर इन नीड। मैंने तो सर लार्जर सेंस में ये कहा कि अगर मंदिरों में चढ़ने वाला पैसा, मैं फिर कह रहा हूं, अगर उसका 80% सरकार ले भी जाती है तो आप 20% समझते हैं क्या होता है? क्या उस 20% से उस मंदिर, कोई बहुत बड़ा भी मंदिर मान लें हम सर, कोई बहुत बड़ा मंदिर भी मान लें, तो 50 से 60-100 लोग ज्यादा उसमें काम करते होंगे, उन 100 लोगों को तनख्वाह देने के बाद भी करोड़ों रुपया बचता है। क्या उन करोड़ों लोगों से किसी मंदिर ने यह कहा कि एक भी दलित, एक भी ब्राह्मण का भूखा बेटा, एक भी दलित का भूखा बेटा, उसकी बेटी मंदिर आ गई तो भूखा नहीं जाएगी? आपने उसकी आस्थाओं को उसको किया नहीं, मंदिर का टाइम हुआ ताला लगा दिया चले गए। मंदिर में ताला क्यों लगेगा भाई? मंदिर जाने के लिए हिंदू रात के 4 बजे भी जाना चाहे तो जाए, ये पंडित जी के
सुविधा से मंदिर नहीं खुलेगा, उनकी सुविधा से बंद नहीं होगा, ये कोई 10 से 5 की ड्यूटी नहीं कर रहे वो। इसलिए मैंने कहा कि मंदिर आपकी आस्था का केंद्र है। अगर सोमनाथ के मंदिर में अरबों खरबों का रुपया ना होता तो वो लुटेरा यहां ना आता, लेकिन अगर आपके पास ये है तो आप बताएं कि इस देश में कितने मंदिरों ने, जो चर्च द्वारा प्रायोजित स्कूल चल रहे हैं, सेंट जेवियर, लेडी फातिमा, फादर एग्नेस, फादर फिदलित, ये जो चल रहे हैं, क्या मंदिरों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो गुरुकुल एकाध बनाते? इस देश में हिंदुओं के पास बहुत पैसा है, महाराष्ट्र में खासतौर से बंगलोर में मैं देखता हूं हजारों कॉलेजेस बने हुए हैं, डोनेशन 5 लाख 10 लाख 1 करोड़। अरे भाई, जो दिन में हिंदुत्व की बात करते हो, जरा ये तो सोचो कि इतने पैसे होने के बाद सुबह से लेकर राष्ट्रवाद की बात फैलाने वाले लोगों, क्या तुमने भारत के अंदर कोई गुरुकुल बनाया? नहीं बनाया। क्या पैसे की कमी है? नहीं है। वैसे क्या पैसे की कमी है? नहीं है। क्या जमीन की कमी है? नहीं है। लेकिन गुरुकुल बना करके हम डोनेशन नहीं ले पाएंगे, तो हमने तो खुद ये किया है। जो लोग सनातन का दम भरते हैं, सनातन की चिंता करते हैं, क्या उन्होंने अपने पास जो अथा संपत्ति है, जो उनके शायद अब काम भी नहीं आ रही है, क्या उन्होंने कोशिश किया कि मैं भारत में जाके गुरुकुल बनाता हूं? नहीं, उनको गुरुकुल नहीं बनाना, उन्होंने कमाई कर। फिर आप क्रिश्चियंस के जो मिशनरी स्कूल चल रहे हैं, जिसमें उनका मिशन है कन्वर्जन का, जिनमें उनका मिशन है कि भारत की संस्कृति, तो आप उनसे कैसे लड़ सकते हैं? आप दूसरे को गाली दे करके अपने झूठे कृत्य को छुपा नहीं सकते हैं। आप अपनी कायरता और अपने झूठेपन को कहें कि नहीं साहब देखिए वो ऐसा कर, वो जो कर रहे हैं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपने कितने ऐसे स्कूल बनाए कि जिसमें ये भीड़ लग जाए कि नहीं मैं इस गुरुकुल में पहले से पहले मेरे बच्चे को एडमिशन मिले? नहीं, आपका बच्चा तो पैदा नहीं होता और जेवियर के अंदर उसका दाखला कराने के लिए आप डोनेशन दे देते हैं। आपके बच्चे पढ़ कहां रहे हैं? आपके पैसे से चर्च मजबूत हो रहा है। आपके बच्चे वो पढ़ रहे हैं जो आपकी संस्कृति को गाली देते हैं, आपकी संस्कृति के खिलाफ है, आपके देश के खिलाफ है। वही लोग डीएम और एसएसपी और सत्ता और व्यवस्था में बैठते हैं, इसलिए उनकी सोच यही है। तो कभी आपने सोचा? आप तो मैं, मेरा बच्चा, मेरा पैसा, मेरा मकान, मेरी कार, बस। जिस दिन इस पे हमला होगा तो हम राष्ट्र की बात करेंगे। जब तक मुझे मजा आ रहा है, मुझे क्या पड़ता है? मेरा बच्चा अमेरिका में पढ़ रहा है, मेरा लंदन में पढ़ रहा है, मेरा न्यूजीलैंड में पढ़ रहा है, हमारा तो सिर्फ इसमें। बाकी हिंदुस्तान में तो रह गए उल्टे सीधे लोग, ये सारे लड़ते मरते रहे, इनको क्या फर्क पड़ रहा है? ये मर जाएंगे तो हमें क्या लेना देना है? ये सोच है ना। मैं अपना घर यहां बनवा करके अमेरिका भाग जाऊं, कहूंगा ठीक है यार, जब वहां खुद गड़बड़ होगा तो मैं वहां आऊंगा, ये नहीं हो सकता मेरे भाई। आपकी पहचान, मेरी पहचान भारत राष्ट्र है। आप पे कितने पैसे हैं, मेरे पास कितने पैसे हैं, इससे नहीं है। इसलिए जिनके पास ज्यादा पैसा है वो ये सोचे कि मैं इस राष्ट्र में क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, कितनी अपनी क्षमताओं के हिसाब से कोई ऐसा काम करूं जो 100 साल तक चले कम से कम। इसमें से लोग देश के प्रति, हमारे सरोकारों, संस्कृति के प्रति, हमारे जो कल्चर था, जो हमारा इतिहास था, क्या कभी हमने उसे खोजने की कोशिश की है? जो पूरे तौर पे साइंस पे रखा था? नहीं, हम पढ़ाने नहीं चाहते। हम तो अपने बच्चे को सीओ बनाने के लिए लगे हुए हैं सुबह से लेकर शाम तक, और उस बच्चे से कहते हैं कि सिर्फ काम से काम रखो, तुम इधर उधर क्यों गए थे? वहां क्यों? काम से काम रखो करने का मतलब हुआ हम अपने बच्चे को स्वार्थी, सेल्फिश बना रहे हैं कि तुम सिर्फ अपने काम से मतलब, तो वो राष्ट्र में क्यों इन्वॉल्व होगा? वो तो कहेगा मेरी नौकरी से मुझे मतलब, भाड़ में जाए राष्ट्र, मैं तो अपने काम से काम रख रहा हूं ना, मैं तो अपनी नौकरी करता हूं, पैसे कमाता हूं, घर ले आता हूं, बस मेरी क्या जिम्मेदारी है? मैं तो अपने काम से काम रख रहा हूं। हर आदमी अपने काम से काम रख रहा है तो फिर राष्ट्र से काम कौन करेगा? सुशील पंडित, पुष्पेंद्र कुमार, कर्नल जीडी बख्शी, आरएसएन सिंह, ये करेंगे, क्योंकि सब अपने काम से काम रखेंगे तो हम भी अपना काम से काम रखते हैं भाई। हमको क्या पागल कुत्ते ने काटा है क्या? लेकिन हमको जो लगता है वो हम कर रहे हैं। इसीलिए मैंने बार बार कहा, साफ शब्दों में कहा, खुले में कहा कि आप तमाम साहब लोग जो भारत से बाहर हैं, जो भारत के अंदर हैं, जो अरबों अरबों रुपए का भंडारा कराते हैं, रात रात भर जागरण पे करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं, लेकिन शहर के 5 गरीब लोगों को, उनकी माओ को जाके नहीं पूछते कि तुम्हारे घर में आज रोटी नहीं बनी है, ये पैसा लो, अपने बच्चे की फीस, मैं तुम्हारे बच्चे की फीस दूंगा, इसे स्कूल भेजो। जो इस राष्ट्र को बचाने वाली ताकतें हैं उनको मजबूत मत कर, नहीं करते हम। हम जागरण पे, हम मंदिर पे पैसा चढ़ाएंगे, हम मुकुट चढ़ाएंगे। अरे भैया, वो मुकुट गणेश जी नहीं पहनेंगे, वो कहां गए सालों से जो मुकुट चढ़ रहे थे? वो समाज के काम नहीं आया, वो मंदिर समाज के काम आने की जगह है।
वो समाज को डायरेक्शन देने वाली जगह है। आज मंदिर, इसका मंदिर, उसका मंदिर, इस मठ का मंदिर, इस पंथ का मंदिर, इसमें चला गया है। इसलिए हर आदमी ने अपने एक मठ बना लिया है, अपना एक आश्रम बना लिया है, उससे मतलब है। वो सिर्फ उसके इर्द गिर्द बात करता है। कौन राष्ट्र की बात करता है यार, कहां कर रहा है? जो 2-4-5% लोग हैं उनकी लिमिटेशन है भाई। ये जो जागृति भी आज देश में आ रही है, ये उन्हीं 2-4% लोगों की वजह से आ रही है। लेकिन कब तक चिल्लाएंगे, कैसे चिल्लाएंगे? इसलिए मैंने कहा कि मंदिरों को पैसा क्यों दे रहे हैं? भगवान पे प्रसाद चढ़ाना है, 10 रुपए के बूंदी के लड्डू चढ़ा दीजिए। पैसा देना बंद कर देंगे, सरकार अपने आप समझ जाएगी कि मंदिरों में पैसा आते ही नहीं भैया। अब हिंदू जो है अपना पैसा उस गरीब बच्चे को दे आता है, उस माँ को दे आता है, उस बच्चे की फीस तय कर देता है कि तेरे 2 बच्चे हैं, मेरे बैंक से इसकी फीस जाएगी, मैं ये कर सकता हूं। आजीवन वो सनातन के लिए लड़ेंगे, आजीवन वो आपको याद रखेंगे और इस राष्ट्र को याद रखेंगे। मंदिर आपको याद नहीं रखेगा, मंदिर को आएगा कोई लूट के ले जाएगा, चले जाएंगे। इसलिए भव्य राम मंदिर बन रहा है, लेकिन आज भी वो ताकतें कह रही हैं कि हम सवेरा होगा, हम जगेंगे, सूरज हमारी मर्जी से निकलेगा और इस राम मंदिर को हम तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनाएंगे। ये कहने वाले भारत के टेलीविजन पे लोग आज मेरे और आपके सामने हैं। मुझे नहीं पता 50 साल के बाद का भारत की क्या स्थिति होगी, मैं नहीं जानता। तो ये जो अरबों खरबों का जो मंदिर बना है, जिसके हर बनाने वाले को दीवान की सूची है, 5 लाख रुपए दे दूं, 2 लाख रुपए, अरे भैया मंदिर तो बनना ही है, वो तो ईंट गारे से ही बनना है ना, कितना पैसा देना है? लेकिन ये मंदिर सुरक्षित कैसे रहेगा, इसका किसी के पास स्कीम है? ये सुरक्षित जब रहेगा जब अयोध्या के आसपास हजारों हिंदू सनातनी बसा दिए जाए, ताकि उस पर हमला करने वाले लोगों को पहले उन लोगों से लड़ना पड़े। ये पुलिस, ये 5,000 रुपए का गार्ड नहीं बचाएगा। सोमनाथ से सीखो, 1990 में हजारों मंदिरों को तोड़ा इस्लामिक जिहादियों ने कश्मीर में, 1990 तो मेरे और आपके सामने की बात है। हम उससे नहीं लड़ना चाहते, हम आज भी नहीं सबक सीखना चाहते, ना अकबर से, ना औरंगजेब से, ना 1990 की घटना से हम नहीं सीखना चाहते, क्योंकि उस सबक सीखेंगे तो हम सबको अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। कोई चिल्ला के देगा, कोई पैसे से देगा, कोई ज्ञान से देगा, कोई किताब से, वो नहीं देना चाहते। हम एक कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, उस कंफर्ट जोन के अलावा हम सारी राय देते हैं, सारा ज्ञान देते हैं, अपनी कंफर्ट जोन छोड़ के नहीं आते। आरएसएन सिंह साहब की जिंदगी बहुत खूबसूरत चल रही है, रिटायर आदमी है, सुबह से लेकर शाम तक रात के 2-2 बजे उठ के फोन करते हैं, मुझे पूछते पुष्पेंद्र शिशु पेदरासी मुझे तुमसे डिस्कस करना है, वो डिस्कस करते हैं, फिर सुबह बोलते हैं। कोई उनको एक पैसे का किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी से पैसा नहीं मांगते, कहीं जाने आने का पैसा नहीं मांगते। ये सुशील पंडित, ये तमाम सारे लोग यही काम कर रहे हैं और उनकी वजह से हम भी ऐसे हो गए। हमने भी आज तक किसी से नहीं कहा कि हमको पैसा दो, लेकिन ये मुहिम बढ़ेगी कैसे, चलेंगे कैसे, आगे की जनरेशन को हम कौन सा भारत देके जा रहे हैं? आगे की जनरेशन करेगी क्या? हम सिर्फ कह के चले जाएंगे, कुछ करेंगे भी कि नहीं करेंगे? अपना अपना कर्तव्य तो करें। थैंक यू सर जी। आखिरी कुछ सवालों पर आ रहे हैं पुष्पेंद्र जी। एक्चुअली ये प्रश्न जो मैंने पूछा वो था मेरे अजीज दोस्त हेमंत पटेल जी से। मैंने जया कहा क्योंकि उनके इसमें नाम जया आ रहा था। कोई बात नहीं, हेमंत पटेल जी कोई बात। हाँ जी, पर हमें हेमंत पटेल जी और गिरिजा देशपांडे जी और कुसुमा राव जी बॉम्बे से, इन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे हैं जो कि सिमिलर लाइंस पर ही हैं और कुछ तो काफी हद तक तो जवाब आपने दे दिया है। वो पूछ रहे हैं कि जो गवर्नमेंट पे केस हुआ था ये मंदिरों का पैसा लेने का, उसका क्या हुआ और क्या ये पैसा स्कूलों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, कुछ स्कूल बनाने के लिए हिंदुओं के लिए इस्तेमाल होना चाहिए ताकि भाई हिंदुओं को आगे बढ़ा सके और वो उनका कन्वर्जन कम हो, जो कि अभी आपने डिस्कस कर ही लिया कुछ हद तक, बट ये उनके सवाल हैं अगर संक्षेप में। नहीं, इसमें तो मतलब मैंने तो बता ही दिया कि सर वो किस लिए इस्तेमाल होना चाहिए। वो कह रहे हैं उस पर क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, हियरिंग चल रही है, हमारे हमारे साथी जयसाई दीपक जी इसको लड़ रहे हैं। और मैं तो कह चुका हूँ उस पैसे का इस्तेमाल कैसे होगा, तो करना चाहिए, वही बात है। आप उसके स्कूल खोलें, आप बच्चों गरीब बच्चों की फीस दें, कुछ भी करें, तो वो तो मैंने बता ही दिया। आप उसमें दोबारा से तो कोई ऐसी बात नहीं है। और आखिरी क्वेश्चन है सर जी, कह रहे हैं कि जो कुछ आपने आज बताया काफी कुछ है,
ये विक्टर सौरभ जी हमारे फोर्ट लॉडरडेल से पूछ रहे हैं कि जो कुछ आपने बताया है तो बहुत कुछ है याद रखने के लिए, तो इसके ऊपर कोई यू नो कोई पैम्फलेट या कोई बुक या कुछ मतलब रिटन मटेरियल छप सकता है इन विचारों को लेके, तो जो कि रखा जाए ऐसे गाइड? नहीं, अब कोई छापे तो ठीक है सर, अब हमारे पास तो समय भी नहीं है ना हमारे पास पैसा इतना कि हम इसके बारे में सोचे, क्योंकि छापने में आज की जनरेशन सुनने वाली ज्यादा है, पढ़ने वाली कम है, हम ये जानते हैं। तो हम तो समझते हैं कि ये जो 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 मीडियम है इसके माध्यम से करोड़ों लोग सुन लेंगे, कितने लोग किताब खरीदते हैं, कितने लोग पढ़ते हैं, फिर पढ़ने के लिए किस पे टाइम है। आज के जमाने में लोग सुबह सुबह अपने कार में जाते हैं, उस वक्त बहुत से लोग स्पीच हमारी सुन लेते हैं, बताते हैं कि हम तो उस वक्त सुन लेते हैं, तो उनका टाइम भी कट जाता है। अब किताब पढ़ने के लिए किताब छपेगी, किताब लिखेगी, उसमें पैसा लगेगा, और किताब तो हमसे पहले भी बहुत सारे लोग लिख के गए, कितनी किताबें हैं, ये जितनी किताबें मैंने आपको दिखाई, इस किताब को पढ़ा होता ना, अगर लोगों को इंटरेस्ट होता तो ये किताब पढ़ते, कहां कोई किताब पढ़ रहा है, इतने लोग किताबें लिखते हैं कहां पढ़ते हैं, कोई किताब कोई नहीं पढ़ता, ये किताब किसी ने पढ़ी है? इतनी बढ़िया किताब लिखी हुई है, ये अलबाशम की किताब है, इंडिया दैट इज वंडर, किताबें तो बहुत सारी है लेकिन पढ़ेगा कौन, सवाल ही है ना, किताब लिख के तो लोग जाते हैं ना। ये इतनी बड़ी बहुत बड़े हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े लीडर थे राम मनोहर लोहिया, उनको समाजवादी कहा जाता था, राम समाज, इन्होंने किताब लिखी गिल्टी मैन ऑफ पार्टीशन, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, ये किताब किसी ने पढ़ी है? कहाँ पढ़ी है? हम तो अपने संविधान की कॉपी तक नहीं पढ़ते कि ओरिजिनल कॉपी का संविधान पढ़ लें इस पे क्या लिखा है, हम तो वो भी नहीं पढ़ते, हम कहाँ पढ़ रहे हैं? सावरकर लिख के गए, ये इतनी बढ़िया किताब जो है ये लिख के गए हैं, वो इस किताब का नाम है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, इतनी बढ़िया किताब बी आर अम्बेडकर ने लिखी है। किताबें तो मेरी मेज पे इतनी रखी है कि मैं आपको शाम तक घुमा सकता हूँ। एक आदमी वी एस नायपॉल, इस आदमी को इस किताब को लिखने का नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर का, 2011 में इसे बुकर प्राइज मिला, विद्याधर स्नाइपॉल को, इसने किताब लिखी है, इस किताब का नाम है ए वुंडेड सिविलाइजेशन, इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन, एक घायल सभ्यता, इस किताब पे इस आदमी को नोबेल प्राइज मिला, लेकिन भारत के सनातनी हिंदुओं ने इस आदमी को नहीं पढ़ा। किताबें तो बहुत है सर, ऐसा नहीं है। माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, जगमोहन 92 ईयर ओल्ड के हैं, जीवित हैं, किसने पढ़ा? कोई पढ़ता है किताब को? नहीं, किताब विताब लिखने का कोई हमारे तो है ही नहीं पढ़ने का। मैं कह रहा हूं ये जितनी किताबें ये कल ही लिखी गई हैं, ये तो कब, ये तो कितने साल हो गए उनको डेथ हुई उनकी, इस किताब को पढ़ लेते तो आपको पता चलता कि आप क्या थे। विजयनगर की सड़कों पर हीरे रहते थे, सोना पड़ा रहता था, इतनी रिच सिविलाइजेशन थी। लेकिन यह आदमी अनसेरेमोनियल, एक जिहादी, एक वामपंथी माओवादी के बदतमीजी के कारण मंच से उतरा, रोता हुआ गया और कुछ दिन के बाद इनकी डेथ हो गई। देश अपने हीरोज को नहीं पहचानता। हम बहुत सारी बातें करते हैं, हम चाहते हैं सब बना बनाया रेडीमेड मिल जाए। जो समाज अपने हीरोज को, अपने बहादुर को बहादुरी का प्राइज नहीं देता है, उस समाज में बहादुर पैदा होना बंद हो जाते हैं, कायर पैदा होते हैं। क्या इस समाज ने कभी सामूहिक आवाज उठाई? सुभाष चंद्र बोस घर घर में लगा, बड़े सारे हिंदू मैंने संगठन देखे हैं, वो चाहते तो हैं कि वीर सावरकर पे कुछ बात हो, लेकिन हम वीर सावरकर न बने, हम कायर बेवकूफ डरपोक हिंदुओं को पैदा करते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं हमें ये नहीं कहना, नहीं नहीं नहीं, नहीं हमें ये नहीं कहना, आपने डरपोक पैदा किए हैं, इसलिए 2021 के भारत में जब कोई बहादुरी की बात करता है तब भी बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं नहीं देखिए हमें ऐसे नहीं ऐसे रहना। नहीं भैया, हमको किसी को टॉलरेट नहीं करना है, बस। आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट एनी नॉनसेंस बड़ी फ्रॉम एनी क्वार्टर ऑफ दिस सोसाइटी, आई एम नॉट रेडी हूसोएवर। मैं 200 साल जिंदा रहूं उससे अच्छा है कि बहादुरी की और सम्मान की एक दिन की जीवन मुझे मंजूर है। मैं 200 साल तक रिस के जलील होकर के बहू बेटियों की इज्जत अपने सामने नीलाम होते हुए मैं 200 साल तक जिंदा रहूं, उससे अच्छा है मैं एक दिन बहादुर की मौत मरने में मुझे ज्यादा सम्मान प्राप्त है। ये कायर समाज को समझना चाहिए। हम 50 साल से जिंदा है, हम 2000 साल से जिंदा है, दुनिया थूकती है आपके ऊपर, इससे कुछ नहीं हो जाता। आप पे कितने पैसे हैं? करोड़ों करोड़ों रुपया था कश्मीरी पंडितों के पास, हजारों हजारों गज में उनके सेब के पेड़ थे, उनकी सभ्यताओं को, उनकी औरतों को, उनकी बेटियों को, उनकी माओं को, लोगों ने अपने बच्चों को कश्मीर में जो मकान बने होते हैं उसमें कैनोपी सी बनाते हैं छत के ऊपर ताकि बर्फ ना पड़े, उसमें घास फूस रख दिए गए,
बच्चों को, जिंदा बच्चों को लोगों ने उसके अंदर छुपा दिया और कहा कि अगर जैसे ही गोली चले और तुम्हें लगे कि तुम नहीं बचोगे तो माचिस से आग लगा के मर जाना। हमने ये नहीं सिखाया कि बेटा तेरे हाथ में चाकू लेके खड़ी हो जा, तुझ पे अगर अटैक करने आए कोई तो तू अगर चाकू भी मार सकती है तो मारना। हमने उन्हें क्या सिखाया कि जब हमला हो जाए तो अपनी जान, जब तुम क्या जान बचाओगे जब तुमने आग लगा के मारी लिया। अगर वो जिंदा रहेंगे तो हो सकता था वो मार देते, बच जाते, लेकिन हमने तो खुद ही आग लगा ली। हमने बहादुर नहीं बनाया, हमने रास्ता बनाया कैसे बच सकते हो, कैसे कुछ कर सकते हो, कैसे सौदा कर सकते हो। वो सौदा करने की मानसिकता आज भारत को यहां ले आई है। यस सर। बस एक लास्ट क्वेश्चन जो आपने कहा उसी के ऊपर फॉलो अप है अबाउट द फंड्स। बहुत से लोग जो यहाँ जुड़े हैं जैसे कि नरेश तुलानी जी और हेमंत पटेल जी और रविंदर जी, सब पूछ रहे हैं कि फाइनेंशियली हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, किस तरह पैसे भेज सकते हैं आपकी संस्था को। हम तो सिर्फ एक ही बात कहते हैं और सबसे कहते हैं भाई कि भारत के अंदर अभी आपने देखा होगा कि एक FCRA नाम का एक सिस्टम है हमारे यहाँ, जिसके तहत आपको 2 या 3 साल के बाद वो सरकार में आप अप्लाई कीजिए तब वो FCRA यानी फॉरेन करेंसी लेने का या फॉरेन फंड्स लेने का आपको सरकार जब तक परमिट नहीं करती यू कांट टेक। आप पर्सनल अकाउंट में तो किसी से भी पैसा ले सकते हैं लेकिन ट्रस्ट का या NGO का कोई अकाउंट होता है उसमें नहीं ले सकते। तो अभी कोई हमको साल भर हुआ है ये इसी इन सब चीजों को ध्यान में रखें कि हम नेक्स्ट जनरेशन को कैसे चीजें दे के जाएं, नेक्स्ट जनरेशन के सामने हम कैसे एक छोटी लाइब्रेरी बनाएं, कैसे नेक्स्ट जनरेशन के सामने हम और नैरेटिव क्रिएट करें, कैसे हमारी टीम और इफेक्टिव काम करे, उसके लिए ट्रस्ट इंडिया फाउंडेशन हम लोगों ने बनाया है। और ट्रस्ट इंडिया फाउंडेशन है हिंदुस्तान के एक बैंक है कर्नाटक बैंक, उसमें उसकी ब्रांच है, उसमें उसका अकाउंट है। लेकिन हम किसी भी विदेशी अपने भाई बहन से पैसा सीधे नहीं ले सकते। उसमें कुछ लोग ये हमारी मदद जरूर करते हैं कि वो अपने जो हिंदुस्तान के कनेक्शन हैं, जो हिंदुस्तान में उनके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनके बैंक के थ्रू वो हमें दे देते हैं। तो हमने उसमें एक नियम बनाया है कि इस ट्रस्ट में जो भी पैसा इकट्ठा होगा वो इस्तेमाल नहीं होगा, और ये ट्रस्ट जब एक सर्टेन अमाउंट इसमें हासिल हो जाएगा फिर हम उसके इंटरेस्ट से जितना इंटरेस्ट आएगा उसमें ही अपनी गतिविधियों को चलाएंगे, एक्टिविटीज को चलाएंगे, ताकि ये ट्रस्ट जो है जो पैसा आया है वो बार बार खर्च ना हो जाए और हम बार बार ना मांगे। इसलिए हम एक मुहिम पूरे देश में चला रहे हैं कि एक आदमी अपने जीवन में सिर्फ 500 रुपए ट्रस्ट इंडिया फाउंडेशन को दे दे एक बार बस जीवन में। इसलिए हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लाखों लोगों का उसमें हमारे साथ कनेक्शन हो जाए और हम किसी एक से न मांगे। इसलिए हमने कहा है मैक्सिमम 500 रुपए एक बार ट्रस्ट इंडिया जो हमारी फाउंडेशन है उसमें डालें, ताकि हम जाने से पहले इस धरती से एक सिस्टम खड़ा करके जाएं, ताकि लोगों को लगे कि राष्ट्र की बात करने में भूखा नहीं मरना होता है, राष्ट्र की बात करने से घर बिखरता नहीं है, घर भी चले, भूख भी मिटे और राष्ट्र के प्रति उसका कमिटमेंट भी हो। लिहाजा ट्रस्ट इंडिया फाउंडेशन हमने दिल्ली में बनाई हुई है, रजिस्टर्ड संस्था है, सरकार के सारे नियम का पालन करती है और अभी हमको 1 साल हुआ है। तो उस सब में मैं यही कहता हूं बाकी जो चाहे जो करें, लेकिन हम सिर्फ 500 रुपए चाहते हैं हर जीवन में एक ही बार हम मांगते हैं, हम चाहे ही नहीं रहे। अभी हमने शुरू भी नहीं किया मुहिम, आज मैंने पहली बार आप लोगों के साथ शेयर किया है क्योंकि विद्या ने कहा कहते थे कि सर हम आपको डोनेशन देना चाहते हैं, मैंने कहा वो दे देना तुम लोगों की, लेकिन हमारी कोशिश यह है कि भारत का हर आदमी, विदेश का हर आदमी अपने संकट से हमें सिर्फ 500 रुपए दे दे। ट्रस्ट इंडिया फाउंडेशन का अकाउंट है, आप चाहें तो मैं अकाउंट नंबर आपको बता सकता हूं, सार्वजनिक कर सकता हूं। हाँ जी, अकाउंट नंबर है, आप इसको आप बता भी दें अभी और अगर टेक्स्ट में भेज सके तो भेज भी दें ताकि मैं सभी को फॉरवर्ड करूंगा। हमारा ट्रस्ट इंडिया फाउंडेशन का अकाउंट है 639-2-000-1-00-00-8101 अगेन आई एम रिपीटिंग अगेन 639-2-000-1-00-00-4x0-8101 दिस इज द अकाउंट नंबर। और IFC नंबर होता है जो कोड होता है, वो कोड है के फॉर कर्नाटका, ए फॉर अमेरिका, आर फॉर रिपब्लिक, KAR, बी फॉर बॉम्बे, 0000
जीरो, फोर टाइम जीरो, 639, ये आईएफसी नंबर है। बैंक का नाम भी बता दें पुष्पेंद्र जी। कर्नाटका बैंक, मालवीय नगर, न्यू दिल्ली। और बेनिफिशियरी नेम? ट्रस्ट इंडिया फाउंडेशन। ट्रस्ट इंडिया फाउंडेशन, ओके। तो अभी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे अपने व्यूज हमारे साथ शेयर किए, जो समय निकाला आपने। मैं इस वक्त अभिनंदन करना चाहूंगा मेरे मित्र अनिल पंजवानी का, जो गोवा से जुड़े हमें, पोर्ट कंजर्वेटर रह चुके हैं रिटायर्ड अभी, और राजेश टंडन भी थे डायरेक्टर जनरल। तो बहुत 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 आपका स्वागत है मेरे मित्रों, ये मेरे शिपिंग के टाइम के मित्र हैं। और लवली लवली, और ये आपके साथ मैं आपका एक प्रोग्राम कल रात को भी देख रहा था जो दीक्षित जी के साथ आपने किया, वो भी शायद हमारे ही पुराना था, मतलब मैंने कल रात नहीं किया, वो एक हफ्ते पुराना हो गया। राइट, मैंने कल रात को सुना। अच्छा, जो हाँ, तो दीक्षित जी, जो दीक्षित जी भी हमारे महकमे के हैं, पहले वो डीएमटी के ये रह चुके। मैं ट्रेनिंगशिप राजेंद्रा का स्टूडेंट रहा हूँ, और वो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग के जो इंजीनियरिंग साइड से थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। और मैंने अभी सभी को अनम्यूट करने के लिए इजाजत, काफी लोग मांग रहे थे, पूछ रहे थे कि अनम्यूट करने के लिए, बट सॉरी मैं पहले नहीं कर पाया, क्योंकि अगर करता तो फिर बहुत केओस हो जाता, यहाँ बहुत आवाज हो जाती सभी की, माइक्स अगर खुली होती तो। अब मैंने कर दिया है, अगर पता नहीं पुष्पेंद्र जी आपके पास एक दो मिनट और है तो अगर स्पेशलाइज कर सके, लोग हेलो बोल सके, अपने अपने मन के विचार बोल सके। अलग जगह के जा रहे हैं पुष्पेंद्र जी, आप अलग जगह है जी, अलग जगह है आपने आज हमारे बीच में। थैंक यू सर, थैंक यू। पुष्पेंद्र जी थैंक यू वेरी मच, गुड जॉब, एक्सलेंट प्रेजेंटेशन, वेरी इंस्पायरिंग सर, वेरी इंस्पायरिंग, बहुत ही अच्छा लगा। आई हैव अ कमेंट एंड अ क्वेश्चन। पुष्पेंद्र जी, राम प्रकाश अग्रवाल। यस सर, यस सर। क्या आप ये संदेश देना चाहेंगे कि हिंदुओं को का सशस्त्रीकरण करने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, हमको अपने पास शस्त्र रखना चाहिए। हिंदुओं को शस्त्र रखने से पहले अपने मन के अंदर जो डर और जो कायरता और जो लालच है, जिस दिन हिंदू अपने मन से डर लालच और कायरता निकाल देगा, वो अपने हाथों से बिना शस्त्रों के ही दुश्मन को मार देगा। तो एक डरपोक आदमी के हाथ में एके 56 देंगे, वो डरपोक आदमी एके 56 छोड़ के भाग जाएगा। इसलिए अपने मन मस्तिष्क से डर निकाल दीजिए, और आप अपने भगवान राम को देखिए, आप परशुराम को देखिए, आप कृष्ण जी को देखिए, हर दुर्गा माँ को देखिए, हर हमारे देवी देवता के हाथ में हथियार है। तो जब भगवान को हथियार की जरूरत पड़ी थी, तो भगवान के जो शिष्य है उसको हथियार की जरूरत नहीं है क्या? तो हमारे तो शास्त्रों से लेकर के शस्त्रों तक की शिक्षा दी जाती थी। ये अब जब आपसे गवर्नमेंट में पढ़ने चले गए, जहां एक फादर जिसने कभी शादी नहीं की वो फादर है, और एक मदर जिसने कभी शादी नहीं की वो मदर है, तो सवाल ये है कि कंफ्यूजन तो हमारे अंदर है। वो घर वाली माँ को मदर नहीं कहता, जो ऑफिस में स्कूल में पढ़ाने वाली जो है माँ, वो मदर है। वो मदर उसके साथ 8 घंटे तक ब्रेन वॉश करती है, और घर वाली माँ के पास समय नहीं होता, वो आसाराम बाबू को सुनने चली जाती है। तो सवाल ये है कि आपने अपने बच्चे को शिक्षा क्या दी है, कैसे दी है? इसलिए शस्त्र रखने से पहले अपने दिमाग को ठीक कर लें। जिस दिन यह ठीक हो जाएगा, आधा हिंदू तो वैसे ही शस्त्रों जैसी बात करने लगेगा। सर, लिखने बोलने के लिए भी डरते हैं लोग। सवाल है कि हम अपने बच्चों को कैसे समझाएं, क्योंकि वो पढ़ते वॉशिंगटन पोस्ट से न्यूयॉर्क टाइम्स, जब वो पढ़ते उनको सब नेगेटिव मिलते हैं। हमारे बच्चे खुद अपने हिंदुत्व को नहीं समझते, वो समझते जो हो रहा है हम हिंदुस्तान में मुसलमानों के अगेंस्ट है। उनको हम कैसे समझाएं, ये बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। हम सोचते मंदिरों के थ्रू
कोई ऐसे लोग होने चाहिए जो कि यहाँ पे उनसे वाद विवाद करके उनको समझाए। मैं आपके प्रश्न को समझ रहा हूँ और शायद यही जो मेरा टारगेट ऑडियंस है वो यही है अग्रवाल साहब। आप तो सोचिए कि आज के दौर में बात कर रहे हैं जब एक संचार क्रांति या कम्युनिकेशन क्रांति है और फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन है। हमारे दौर में व्हेन वी वर स्टूडेंट एक अखबार आता था और ऑल इंडिया रेडियो होता था, टीवी भी नहीं था, तब इंफॉर्मेशन नहीं थी और दुनिया के बारे में नहीं पता था। जो एक बार अमेरिका जाता था वो हजारों महीने तक किससे सुनाता था मोहल्ले में और लोग उसको फ्री खाना खिलाते थे कि ये अभी अमेरिका होके आया है। लेकिन आज के दौर में तो इतना कम्युनिकेशन है, इतनी इंफॉर्मेशन है कि आप दिखा सकते हैं कि ISIS क्या कर रही है, डेनियल पर्ण का गला कौन काट रहा है, हिंदू मुसलमानों को मार रहा है या मुसलमान हिंदू को मार रहे हैं, ये सड़कों पे नमाज पढ़ रहे हैं, ये जो जिहाद हो रहा है, ये मदरसों में, तो ये आपको बताना पड़ेगा। बट दूसरी बात यह है कि क्या हम ये भी पूछें कि जो खासतौर से भारत के बाहर भी हैं और भारत में भी हैं, हम जब बच्चे से ये उम्मीद करते हैं कि बच्चा मंदिर जाए, क्या हम मंदिर कभी गए हैं? क्या मंदिर जाकर के हमने आस्थाओं के प्रति, हम मंदिर जब जाते हैं वहां से दवा लेने कि हमारे जो दुख है उसकी कोई दवा हमें मिल जाए और जो मंदिर ने दवा दे दी वो अच्छा है, जो मंदिर में दवा दी नहीं है, हम तो चढ़ावा चढ़ाने या कुछ मन्नत मांगने जाते हैं। तो मेरा कहना है कि बच्चे आपके एक्शन से ज्यादा सीखते हैं ना कि आपके ऑर्डर से। कितनी बार आपके घर में पूजा होती है, अरे वो बच्चा एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, दस बार नहीं आएगा लेकिन एक दिन आएगा। लेकिन हम उसको समझते हैं कि वो पहले दिन ही हिंदू हो जाए क्योंकि हमने शिक्षा तो उसको दिलवाई है उस सेकुलर स्कूल में, उस कॉन्वेंट में, तो बच्चे के ब्रेन में तो वही घुसा हुआ है, वो तो सुबह सुबह की जो प्रेयर है चर्च की वो पढ़ता है, उसको सनातन के बारे में कौन बताएगा? इसलिए मैंने कहा कि ये हमारे दौर में तो प्रॉब्लम थी, अब तो बहुत आसानी है, अब तो वो गूगल करके देख लेगा ना दो मिनट में। तो हम जो बात कहते हैं वो तथ्यों के साथ कहते हैं, किताबों के रेफरेंस के साथ कहते हैं। अब अगर हम ये कहते हैं कि ये भारत का संविधान है, जो ओरिजिनल संविधान का रेप्लिका मेरे पास है, तपास से ये अगर हमारे पास है तो उससे पूछो कि भारत के संविधान में जो 22 चित्र बने थे जिसमें राम भगवान का चित्र बना है, सीता का चित्र बना है, जिसमें कृष्ण जी का चित्र बना है, जिसमें शिवाजी का चित्र बना है, जिसमें सावरकर का नहीं बना लेकिन सुभाष चंद्र बोस का बना है, तो ये कोई हिंदू मुस्लिम का मामला था उसमें? और उसमें उसमें अकबर का भी चित्र बना है, उसमें टीपू सुल्तान का भी चित्र बना है। तो भाई अमेरिका जाना पढ़ना यहां तक तो ठीक है, लेकिन क्या अमेरिकन जब भारत आते हैं तो क्रिश्चियनिटी छोड़ देते हैं? क्या अपने संस्कारों को छोड़ देते हैं? वो इतनी दूर से चल के भारत में कन्वर्जन करने के लिए आते हैं? जो गरीब इलाकों में जाते हैं वहां कन्वर्जन करते हैं? किस 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 मजहब में लिखा है कन्वर्ट करो? सबको भारत ही मिलता है, मदर टेरेसा यही पैदा होती है, मानवता मदर टेरेसा को सऊदी अरब में नजर नहीं आती जहां जुमे के बाद 85 बच्चों लोगों को काट दिया जाता है, यहां चोरी करने पे हाथ काट देते, तो मानवता के लिए वो वहां नहीं जाती। सबको भारत मिला हुआ है कि भारत में कन्वर्जन करो और भारत के रिसोर्सेज जो यहां के हैं उसको इस्तेमाल करो। तो हमने अपने बच्चों को शिक्षा दी क्या है? क्या हमने अपने बच्चों के साथ संवाद साध ना पाए? कभी उनके लेवल पे बात की है? कभी अपनी बात मनवाने के लिए कभी जरे बहस की है? हम करते नहीं है। बच्चा नहीं सुना रहे, भाई नहीं सुना, उसे मत को, ठीक है उसे जाने दो, उसे जाने दो। हम तो खुद ही चाहते हैं ये काम जो हम आज कर रहे हैं, ये काम अगर 20 साल 30 साल पहले किसी ने किया होता तो हम उससे आगे के लेवल पे बात कर रहे थे। अभी तो हमारा ये है कि बच्चे के दिमाग में जो गलत इतिहास भर दिया गया है, गलत नरेट, हम पहले उसको रबर से मिटाते हैं फिर नया लिखते हैं, तो हमारी मेहनत ज्यादा है, अगली जनरेशन को ये मेहनत नहीं करनी होगी। इसलिए जो बात आपने कहा कि बच्चे सुनते नहीं, आई एग्री, बट वही वाली बात है कि टू कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन। मैं तो स्पोर्ट्समैन रहा हूं सर, मैंने तो जर्मन के खिलाफ खेला है, मैंने पाकिस्तान के खिलाफ खेला है, मैं तो जापान, मुझे मालूम है कि जब मैदान में 70 मिनट का खेल होता है तो आखिरी सेकंड तक मुझे ये होप होती है कि गोल मार के मैं या तो बराबर कर लूंगा या जीत जाऊंगा। लास्ट मोमेंट तक आई एम होपफुल, आई एम नॉट बीइंग गिवन अवे, नहीं नहीं ये तो हो नहीं सकता, तो हार गए तो 5 मिनट बचे, ऐसा नहीं होता। इसलिए हम सबको, जो बुजुर्ग हैं, जो माए हैं, उनको ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि हम अपने बच्चे को किस तरीके से समझाएं जो उसकी बात समझ में आ जाए और उसके अंदर धीरे 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 एक बार दो बार तीन वो होगा। अगर रस्सी भी डेली कुएं से पानी खींचती है तो पत्थर को काट देती है सर, पत्थर के कटने का निशान बन जाता है अगर आप रोज वही काम करते हैं, लेकिन हम करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं 2 मिनट मैगी की तरह बच्चा समझ ले और खत्म हो जाए और भारत राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र हो जाए, ऐसा नहीं होता सर।
I have a comment. जी काफी समय से हेमंत पटेल जी क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहे हैं प्लीज आप भी उनसे क्वेश्चन ले लें सॉरी आई डोंट लाइक टू टॉक ओवर पीपल सो आई स्टॉप गिविंग रिस्पेक्ट टू अदर्स भाई साहब थैंक यू फॉर योर टाइम आई एम अ बिग फैन ऑफ यू आई फॉलो यू ऑन YouTube ऑल द टाइम ऑलमोस्ट एवरी नाइट आई वॉच योर स्पीचेस यू हैव अ पैशन एंड फायर इन द बेली एंड आई लाइक दैट आई एम लाइक यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन मोस्ट रीसेंट इलेक्शंस इन अमेरिका The Indians got polarized as Republicans, even though some of us are philosophically Democrats because of the economical starting we had in this country. But the reason Indians got polarized as Republicans because we like the policy, we like the approach of Donald Trump in helping India. Agar Trump nahi hote, to shayad Pakistan ka 370, Kashmir ka 370 ka dhara mein अमेरिका 100% इंटरफियर करता लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की वजह से इंटरफियरेंस नहीं आया एंड आई एम थैंकफुल इवन दो आई एम नॉट अ फैन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप बट आई सैल्यूट हिम फॉर स्टैंडिंग विद इंडिया अभी होता क्या है कि मेरे घर में भी दो बच्चे हैं मेरी बेटी है और बेटा है तो मैं हर वक्त ये डिबेट होती है कि क्यों मैं डेमोक्रेट हूँ आई रैन फॉर स्टेट हाउस फ्रॉम मायामी आई लॉस्ट एन इलेक्शन बट आई टेल माई किड्स about what why I'm passionately Indian first so this is how the debate has to happen at your home and explain your kids because hamare bachche to muslim country mein jaake nahi dekhe ki bhai pakistan mein kitne mandir hai hindustan mein kitne masjid hai wo meri beti aur bete ko malum hai right to jo apne bachche jo america mein badh rahe hain pad rahe hain policy maker badh rahe hain to unke sath ek conference call aapka ek aur zyada hona zaruri hai because no disrespect to this group but majority of them are retired you know we need to bring the doers and shakers on this call to explain I love to do influence. That patel sahab I love to do that I always very open I always say ki I just wanted to talk directly to the kids unke dimag mein kya hai I will do my best aur main shayad jis tarike se apni baat ko present karta hu india mein zyada tar log yahi kehte hain ki aapko bacche sunte hain main isliye keh raha hu ki wahi next generation hai और ट्रंप की बात आपने कहा मैंने ट्रंप के इलेक्शन के जमाने अलग अलग प्लेटफॉर्म यूएस से आए उसमें बहुत सारे लोग थे उन्होंने जब मुझे बुलाया तो मैं बार बार ये कहता था कि यू आर नॉट कास्टिंग योर वोट इन फेवर ऑफ ट्रंप यू आर कास्टिंग योर वोट इन फेवर ऑफ नरेंद्र मोदी मेरे बुजुर्ग है यहाँ पे मेजोरिटी आई नो देम वेल डॉक्टर पीयूष अग्रवाल इज लाइक अ फादर टू मी जब हम लोग 2004 में प्रेसिडेंट बुश को मिले थे हम चार लोग थे अंकल जी भी थे साथ में पीयूष अंकल तो प्रेसिडेंट बुश मेड अ कमेंट एट द फोटो ऑफ दैट इंडियंस आर हार्ड वर्किंग पीपल सो माय कमेंट वाज वी आर गुड टू बट यू हैव नेवर ट्राइड अस सो ही सेड क्यूरियसली वेरी वेरी गुड पर्सन ही सेज इन व्हाट वे आई सेड यू गाइस सेलिब्रेट Eid, you celebrate Hanukkah, you celebrate Christmas at White House, but you don't do Diwali at White House. So curiously, he said to Uncle Ji, what is that? That's when the first Diwali event happened, because we decided to speak up. Same way, when Bobby Jindal election ke liye lada tha, toh humne kaafi paise diye. But when he turned to be more of a Christian approach, which I don't have a problem, but he abandoned India, मैंने निकी हेली को बोला अगर आप इंडियन नाम हो के हमारे पास पैसे मांगेगी लेकिन अगर आप कलर बदलेगी तो पैसा हम नहीं देंगे आपको Absolutely. और इतना जोरों से यहाँ बोलना पड़ेगा क्योंकि मैं तो अमेरिका में बैठा हूँ मैं अमेरिका में बैठ के जो इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ वो मैं करना चाहता हूँ अपॉर्चुनिटी लेना चाहता हूँ पुष्पेंद्र जी मनोहर जी आरिफ जी एवरीबडी ऑल द एलीट पीपल हियर जैसे अभी इन्होंने मैं आपका नाम नहीं जानता जयाज आईपैड जो आप कह रहे हैं हेमंत पटेल आई यूज्ड टू बी द चेयरमैन ऑफ द अमेरिकन पटेल ओनर्स एसोसिएशन पटेल साहब आपका जो फ्रेम है उसमें जया लिखा हुआ आ रहा है इसलिए शायद वो कंफ्यूज हो मेरी बीवी का आईपैड है भाई साहब तो हेमंत बताइए भाई साहब आप किया है मैं उसके ऊपर मेरा एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम उसी यूथ के बारे में और मैं भी यूएस में कैलिफोर्निया में हूं सैन फ्रांसिस्को में बैठा हूं और इस प्लेटफॉर्म पे मैं करना हूं करने की आवाज आ रही है Somebody speaking can you mute yourself please because you are interfering in the conversation My uncle is one of the डिस्टर्बेंस तो कोई तो है जो म्यूट नहीं है बिना बिना गुप्ता जी प्लीज जरा अपना म्यूट करें आप ओके ऑलराइट तो मैं बहुत जल्दी करूंगा तो एक बार फिर से पुष्पेंद्र जी बहुत बहुत थैंक यू आपने आज ये जो सेशन लिया
सबसे बड़ी थैंक यू तो मैं गिरिजा जी को कहूंगा जिन्होंने मुझे इसको इनवाइट किया. यू नो मैं इस पैनल का पार्ट ना होता अगर वो मुझे इनवाइट ना करती. बट एट द सेम टाइम इस सेशन के बाद पुष्पेंद्र जी और आरिफ जी और मनोहर जी मैं आप सबको एक एक बहुत बड़ा थैंक यू तो जरूर कहूंगा बट मैं एक बार इनवाइट भी करूंगा फॉर्मली कि आप लोग प्लीज हमारे प्लेटफॉर्म पे आए जहां पर वो यूथ वो बहुत ही वायलेंट यूथ वो अग्रेसिव यूथ जो जो आज की डेट में जानना चाहता है इन चीजों को सुनना चाहता है यू नो उनके लिए बहुत बड़ा एक आई ओपनर होगा. तो मेरी तरफ से आप सबको एक रिक्वेस्ट कि प्लीज आप जरूर आए. मनोहर जी आपके लिए एक रिक्वेस्ट ये है कि बहुत सारे लोगों मैंने अभी ट्विटर पे डाला था इसका आपकी बिना परमिशन के तो मैं आपको बता भी रहा हूँ पर साथ में मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही मैंने डाला लोगों ने ये पूछा कि इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ है. तो प्लीज ये जरूर शेयर करना क्योंकि पुष्पेंद्र जी को आरिफ जी को और इस टॉपिक से रिलेटेड लोग हर बार जानना चाहते हैं जुड़ना चाहते हैं. यूएस में बहुत लोग हैं. मैं कैलिफोर्निया में हूँ. आपके 9:30 जब आपने शुरू किया था यहाँ 6:30 था और यू नो मैं इस सेशन को नहीं मिस कर सकता था एट एनी कॉस्ट. सो प्लीज इस ऐसे सेशंस को और भी रखें और हम जैसे जो थोड़े से उम्र में आप सबसे छोटे हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी दें ताकि हम लोग आपको उस यूथ के साथ उस अमेरिकन हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको कनेक्ट कर सकें. तो प्लीज थैंक यू. नहीं ये रिकॉर्डिंग हो रही है शुरू से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं और आप सबको भेजूंगा. ऑन अ लाइटर नोट जो हम बात कर रहे हैं कि बच्चों के लिए ये करना चाहिए युवा के लिए भी उनकी जागृति होनी चाहिए. सुबह से मेरे 4 साल का पोता तैयार होके बैठा है मुझसे पूछ रहा था कि मैं क्या पहनूं आज. मैंने कहा कुर्ता पैजामा पहनो. पूछ रहा कौन सा वाला क्योंकि उसने भी पुष्पेंद्र जी का की बातें सुननी थी क्योंकि मैं काफी बार डिस्कस करता रहता हूँ और जब उन्होंने पता चला कि मैं आज ये प्रोग्राम होस्ट करने वाला हूँ तो उसने भी ज्वाइन किया हमें. देखना पड़ेगा बिकॉज आई थिंक बाय नाउ ही मस्ट बी गॉन बिकॉज 2 घंटे हो गए ऑलरेडी. माय सन वेंट टू लिसन टू हिम इन गाडकोपर ईस्ट इन मुंबई एंड देन केम एंड टोल्ड मी यू शुड लिसन टू हिम. यस तो माय सन वेंट टू सभी से निवेदन है कि जो भी मैं आपको ऐसे कुछ लिंक्स भेजता हूं प्लीज आप फॉरवर्ड करिए. मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है मुझसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. मोर द मेरियर. गिरिजा जी ने पूछा था क्या मैं बुला सकती हूं औरों को तो मैंने कहा जरूर सभी को बुलाइए. मैं 2-3 चीजें और बता दूं क्योंकि यहाँ बड़ा कंफ्यूजन हिंदुस्तान में होता है. यहाँ मेरे नाम से 40 ट्विटर अकाउंट चलते हैं और ताज्जुब की बात यह है कि जो मैं शरीफ आदमी हूँ मेरा जो ओरिजिनल ट्विटर अकाउंट है उस पर कम है और जो जाली और फोर्ज है उस पर लोगों ने लाखों लोगों ने कर रखा है. तो मेरा जो ओरिजिनल ट्विटर अकाउंट है पुष्पेंद्र AMU PUSHPENDRA पुष्पेंद्र AMU एक ही वर्ड है एट द रेट ऑफ. और जो मेरा हमारी जो सपोर्ट में जो YouTube चैनल चलता है उसका नाम है वी सपोर्ट पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा. उस पर अभी आरएसएन सिंह साहब के साथ मैंने 3-4 कन्वर्सेशन किए हैं बहुत ही जबरदस्त हैं. लाखों लोगों ने उसको देखा है और उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं और आरएसएन सिंह साहब इज ए वेरी वेरी एविड रीडर और कितना पढ़ते हैं. और मैं समझता हूँ इन लोगों का जब मैं दर्द देखता हूँ देश के लिए तो मेरी और एनर्जी बढ़ जाती है. लेकिन अब वो सब लोग कह रहे हैं कि जब तक हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ सिस्टम छोड़ के नहीं जाएंगे तो ये हम आए अच्छा बोला लोगों ने ताली बजाई लोगों ने सुना और उसके बाद फिर थैंक यू वेरी मच हो गया. मेरा फेसबुक का पेज है वेरीफाइड पेज है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा के नाम से और मेरा ईमेल प्लेटफॉर्म जी यस. No, Varun Kapoor platform, a lot of young people come, so please you must address that. Please. It will make a lot of difference. Madam, I never said to know anybody. Okay. Never said. कोई रात के 2 बजे भी कहता है 5 लोग आते हैं मैं शुरू हो जाता हूँ. Okay, thank you. हाँ मेरे साथ तो मेरी वाइफ और मेरे बच्चे तो कम मेरी वाइफ को ज्यादा भुगतना होता है. Still she is worried about के चाय देने क्योंकि दिल्ली में टेम्परेचर 3-4 degrees चल रहा है. Yes. तो चाय बनाने में लगी हुई है तो वो कोई इशू नहीं है. मैंने कभी भी अपने अगर इफ आई एम अवेलेबल एंड तो मैं आई नेवर से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं होती तब भी मैं मना नहीं करता. मैं कहता हूँ यार ये अपॉर्चुनिटी है यू नेवर नो व्हाट विल हैपन टुमारो कल क्या होगा किसने देखा है. मैं अपनी तरफ से हर वक्त जब भी अभी मैं फिर बनारस जा रहा हूँ अभी मैं आया हूँ पुरी से लौट करके 3 दिन से तो मैं मेरे पास इसके अलावा कोई काम नहीं है. दैट्स व्हाई आई रिजाइन फ्रॉम माय जॉब 3 years back बिकॉज आई वांट टू डू दिस वर्क विद प्योर इंटेंशन नॉट वर्क. ये भी कर रहे हैं पार्ट टाइम ये भी कर ले वो नहीं होता है. इफ यू आर नॉट 100% इन्वॉल्व यू कांट गिव 100%. सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग. तो मैंने कभी किसी को ना नहीं कहा है. ये जरूर मैं कहता हूं कि मेरा जो कोऑर्डिनेटर है प्रोग्राम का उसको मैंने बोला है कि भाई मुझसे पूछ लेना समय देने से पहले क्योंकि वो लाइन से प्रोग्राम है हमारे बनारस है फिर जबलपुर है फिर पटना है फिर अजमेर है.
तो उस बीच में कभी फुर्सत हो तो मैं ओम यादव जी से आप लोग भेज, मेरा ईमेल एड्रेस है pushpendradelhi01@gmail.com। अगर किसी के मन में कोई प्रश्न है, बच्चों के मन में कोई प्रश्न है और वो आपको लगता है कि उसको आर्टिकुलेट करने में दिक्कत है, यू जस्ट सेंड इट टू मी। मैं आज के दौर के मैगी और मोमोज खाने वाले बच्चों को उसी जबान में उतने ही क्रिप्स वर्डों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं उनसे सत्तू खा करके ऐसी कोई बात नहीं बताऊंगा जो उनकी समझ में ना है। और कैसे साइंटिफिकली इस सनातन को बयान करना है, आई डू माई बेस्ट एंड आई विल डू इट। कि सूरज को जब हम पूजते हैं, हम जब पर्यावरण को पूजते हैं, तो ये जो क्लाइमेट चेंज है ये हमारे ऋषि मुनियों को बहुत साल पहले ही पता हो गया था, लाखों साल पहले पता हो गया था कि पर्यावरण में पीपल का पेड़ ऐसा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए हमने उसको पूजा से जोड़ दिया ताकि वो सुरक्षित रहे, उसको कोई बदमाश काट ना पाए, उसको कोई तोड़ ना पाए, इसलिए कहा कि पीपल की पूजा करनी चाहिए। इट्स नॉट ए मैटर ऑफ फेथ, इट्स ए बेसिकली हाउ टू कन्वे। उस जमाने में लोग साइंस नहीं जानते थे तो उनको साइंस के जार्गन नहीं बताए, उनके फेस से जोड़ दिया, तो लिहाजा लोग पीपल की पूजा करते हैं। लेकिन पीपल की पूजा से कोई भगवान राम नहीं मिलेंगे, पीपल की पूजा से वो पेड़ रहेगा तो आपको 24 घंटे ऑक्सीजन मिलेगी। सर मैं एक क्वेश्चन मैंने अमेरिकन ज्यूइश कमेटी के साथ 30 साल पहले वाद विवाद किया था, वहां पे उन्होंने ये बताया कि why they are successful is that they are passionate about Judaism, they are passionate about Israel, and they will do anything to protect Israel, to protect Judaism. हमारे अंदर कोई ऐसा एक चीज है जिससे हम we can be passionate about it and create that atmosphere about the Hindus कि हमें इस चीज के लिए काम करना है, सबको मिलके एक चीज के लिए काम कर, how can we be आपने आई एम सॉरी टू आस्क यू दिस, आपने आपकी कभी कोई गर्लफ्रेंड रही है? नहीं साहब, मत पूछो साहब, बात है अरे आप बताने में तो कोई नुकसान नहीं होने वाला, बता रहा हूँ आपको, मेरी भी साथ बैठी है, मैं गया था शादी करने के लिए तो नाइस टू सी यू मैन। नहीं मैं जो आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब देने के संदर्भ मैंने कहा, आप जब पैशनेट थे ना तभी तो शादी कर पाए आप, पैशनेट थे तभी तो आप गए। अरे कुछ लोग तो पैशनेट होते हैं, रात में छत की दीवार कूद के जाते हैं, कूद के आते हैं, ये पैशनेट ही तो होता है। तो पैशन पैदा नहीं होता है, पैशन पैदा करना पड़ता है, और फिर पैशन के बाद में आपका अचीवमेंट ये है कि यू आर देयर विद हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ एंड सच ए केयरिंग वाइफ। तो ये पैशन की वजह से आपके साथ है, पैशन नहीं होता तो आप साथ नहीं होते और ये आपके साथ ही खड़े होते। तो पैशन पैदा करना पड़ता है, वो किसी भी चीज के लिए हो, ये पैशन ही है जो आप यहां से अमेरिका गए और आपने वहां इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी की। सर पैशन ही है, पैशन बड़ी लॉन्ग लास्टिंग है साहब, पर पैशन ही है जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। मेरे आपके बीच में कोई बिजनेस का रिश्ता नहीं है, ये पैशन ही है मेरा। तो पैशन तो एक ऐसी चीज है जो आप कैसे पैदा करें। तो जो आपने कहा कि हिंदू के, जब तक आप उनको चीजों को बताने का तरीका वैसा नहीं रखेंगे तो पैशन नहीं होगा। अगर किसी सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाना है तो यू हैव टू यूज इंटरेस्टिंग जार्गन्स, स्लोगन्स, रेफरेंसेस। इफ यू आर गोइंग, जैसे ड्राई, मुझे इकोनॉमिक्स बहुत ड्राई लगती है, आई कांट, मुझे जैसी कोई इकोनॉमिक्स की बात करता मैं भाग जाता हूं। मैं 25 साल के जर्नलिज्म में जब भी मेरे एडिटर ने कहा कि तुम किसी फाइनेंस की बीट पे चले जाओ, मैंने कहा मुझसे नौकरी का इस्तीफा ले लीजिए, आई कांट गो, बिकॉज मैं उससे घबराता हूं। तो मुझे पैशन है ये, इसलिए पैशन कोई ऐसी चीज नहीं है। हर आदमी में हर किसी का अलग अलग पैशन होता है, लेकिन वो पैशन क्रिएट करने के लिए हम बुजुर्गों की जरूरत है, बड़ों की जरूरत है कि हम किसी चीज को उनकी जबान में, उनके स्टाइल में, उनकी ग्रामर में उनको बात समझाएं, ना कि हम अपने 70 साल पुराने ज्ञान को हम कहें कि नहीं ऐसा होता था। नहीं, 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 नहीं। आपको जो जो व्हाट्सएप की भाषा है,
जो फेसबुक की भाषा है उसी भाषा में आपको बहुत क्रूड बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब ही स्टार्ट एंजॉयिंग। थैंक यू सर, आई होप आई वेरी मच, आई होप आई गेस दैट्स इट। अगर और किसी कुलसर साहब थैंक यू वेरी मच, गुड जॉब, कीप इट अप, वी विल मीट यू अगेन सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। एक बात और कह दूं मैं आप सबके सामने, एक बात बस मैं कहना चाहता हूं आप सबसे कि आज मैं आप सबके साथ बैठा हूं उसमें ये जो आपके बीच में एक मैडम है, ये मेरी बहन है, इनका नाम है विजय त्रिपाठी। इन्होंने मुझे इतनी दूर मेरे जो बॉम्बे में संपर्क थे वहां तक इन्होंने पकड़ा और कहा कि पुष्पेंद्र जी बस मेरे जीवन की ऐसी ख्वाहिश है कि आप मेरे कहने से आ जाएं। मैंने कहा कि बड़ी देर में आपने अपनी ख्वाहिश जाहिर की है, थोड़ा पहले कर देती आप, लेकिन यह है कि आपने ख्वाहिश देर से भी कही और मेरे अगर ताकत में यह है तो मैं इसको पूरा करूंगा। तो वंस अगेन आई एम ग्रेटफुल टू माई डियर सिस्टर विजय त्रिपाठी जिन्होंने लगातार कन्विंस करके मुझे पीछे पड़े नहीं, बोली आपको आना है, एक बार मेरे लिए आना है, यू आर माई ब्रदर। मैं पहली मेरी दो एक बात ही बस टेलीफोन पे बात हुई है विजय त्रिपाठी जी, शी इज माई सिस्टर लाइक दैट। एंड मैं फिर कहूंगा कि आप अपनी कोशिश जारी रखें, मुझसे बेहतर, मुझसे अच्छे ओरेटर, मुझसे अच्छे नॉलेजेबल लोग और भी हैं देश में, उनको बुलाएं ताकि आपको उनका पर्सपेक्टिव भी पता चले, उनका स्टाइल भी पता चले। और ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, हर दिन हर 10 दिन बाद हर 5 दिन के बाद में लोग आएंगे, कुछ पुराने लोग बोर होंगे कुछ नए आएंगे, लेकिन दिस शो मस्ट गो ऑन। बहुत-बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी, यस एज यू राइटली सेड, मैं भी विजय जी का बहुत आभारी हूँ, थैंक यू सो मच विजय त्रिपाठी। काफी समय से हम लोग कई चीजों पे इकट्ठे काम कर रहे हैं, रोटरी में भी आई थी कुछ समय के लिए हमारे साथ विजय, तो थैंक यू मनोहर फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग जी का तो उर्दू का भी तलफ्फुज है, जो प्रोनाउंसिएशन है वो मैं तो उसका भी कायल हूँ, बहुत अच्छा बोलते हैं उर्दू में भी। उर्दू मेरी जबान है, मैंने सीखी नहीं है। बहुत अच्छा, आपका तो कमांड है उसपे, इसमें कुरान पर भी है, इसीलिए आप इतना कंपेयर कर पाते हैं भाई। एएम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हैं तो उर्दू तो बोलेंगे। जी जी जी, लेकिन बड़ा अच्छा बोल रहा है, इतना खूबसूरत तलफ्फुज है, इतना प्रोनाउंसिएशन है कि उसके कायल है हम तो, मैं तो कम से कम। आपको बता दूं पुष्पेंद्र जी, एक बार कुरान तो मैंने भी पढ़ी है और अभी फिर से पढ़ने का की इच्छा है, क्योंकि किसी वक्त पहले हम लोग काफी आर्ग्यूमेंट करते थे कि क्या मतलब, और कहा जाता था कि जो कुरान में जो लिखा है ये गलत है वो गलत है एक्सेट्रा, तो मैंने कहा पहले पढ़ तो ले तो पता चले भी क्या कुछ गलत है क्या नहीं। मेरा सोचना ये था एक बात है, कुरान को पढ़ना एक बात है और कुरान को उस कॉन्टेक्स्ट में समझना दूसरी बात है। बिल्कुल। अब ये मैंने तो ये आयतें हैं जो मैंने चैलेंज की और अभी हमारे यहाँ कोर्ट केस में चली गई हैं। इन आयतों में सिर्फ ये लिखा है कि मुशरिकों को नॉन बिलीवर को यहाँ मिले मार दो, उनका कत्ल कर दो, उनको ये कर दो, जो किताब ये चीजें लिखती हो इस पे दिल्ली की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 31 जुलाई 1986 में एक फैसला दिया कि ये 24 आयतें ऐसी हैं कि जब तक ये कुरान में रहेंगी भारत में शांति नहीं हो सकती, क्योंकि ये आयतें जो कुरान को नहीं मानते उनको मारने पीटने का, ये उस वक्त का फैसला है, मेरा फैसला नहीं है,
मैं तो 10 बार पढ़ चुका, उन आयतों को निकाला, फिर मैंने हदीसें पढ़ी, फिर मैंने शरिया पढ़ा, तब जाकर के मैं पहुंचा। बहुत सारे लोग कुरान पढ़ते हैं लेकिन कुरान वैसे ही पढ़ते हैं जैसे फिजिक्स पढ़ते हैं, जैसे आपने कोई चीज पढ़ ली लेकिन आपको पता नहीं है क्या है। तो जब तक आप उसकी बैकग्राउंड को नहीं जानेंगे, शरिया को नहीं जानेंगे, मुसलमान को नहीं जानेंगे, उसका असली मतलब नहीं जानेंगे। अब जैसे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग मालूम है क्या कहते हैं, अखबार भी लिखते हैं, ये बात आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूं, मुसलमानों ने आज ईद की नमाज अता की। अब आपका इसका मतलब ये निकालेंगे कि मुसलमानों ने आज ईद की नमाज पढ़ी। मेरा प्रोनाउंसिएशन देखिएगा, आज मुसलमानों ने ईद की नमाज अता की। समझ रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ आज मुसलमानों ने ईद की नमाज पे अल्लाह पे एहसान किया। दो चीजें होती हैं, अता और अदा। आज मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की यानी अल्लाह का धन्यवाद किया, और अता की यानी अल्लाह पे एहसान किया। उर्दू में ये एक बड़ा छोटा सा वर्ड है कि उर्दू में नुक्ते का जोर होता है, नुक्ता, जो हमारे यहाँ डॉट होता है ना इंग्लिश में डॉट, उसको उर्दू में नुक्ता कहते हैं, नुक्ता। तो एक पर्टिकुलर वर्ड है जो एक ही शेप में बनता है, एक ही शेप होता है उसका, सिर्फ नुक्ता जो है कहां लगेगा और कहां नहीं लगेगा उसकी एक छोटी सी मिसाल है, आप भी किसी से कह सकते हैं। अगर नुक्ता नीचे लगा है और नुक्ता ऊपर लगा है, तो एक नुक्ता ऊपर लगता है तो खुदा हो जाता है, वही नुक्ता नीचे लगता है तो वो जुदा हो जाता है, तो एक नुक्ता खुदा को जुदा कर देता है। जिस तरह एक बिंदी जो है चिंता को चिंता, चिंता को चिता बना देती है एक बिंदी, तो उसी तरह है। So once again, thank you everybody, sir. Thank you very much. God bless you. Thank you so much, sir. बहुत शुक्रिया अरे भाई, पुष्पेंद्र भाई. Thank you very much for inviting us there, man. Thank you very much. Thank you.